भाई साहब ये पता बताएंगे? नहीं, क्या बात कर रहा हूँ। छोटू देख तो कौन आया है। अरे इसकी तो तू है। गुड मॉर्निंग सर। सर यहाँ पे इंजन वायर राम प्रसाद नाम का कोई आदमी है क्या? हाँ, इंजन ऑयल राम प्रसाद। यहाँ पर ऐसा नाम का कोई आदमी नहीं रहता। अरे यहीं पर बोला था, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। आप एक बार देख लीजिए ना। ये कौन सा आदमी है जो दिमाग खराब कर दिया? चल के देखते हैं। रे चल बालकनी में आइए सर। अरे राम प्रसाद, राम प्रसाद, राम प्रसाद, बहुत देर से मेरा दिमाग खराब है। अरे कौन है वो भाई राम प्रसाद? मेरे फ्रेंड है सर। और तुम कौन हो? उनका फ्रेंड हूँ सर। बचपन में हम लोग गाँव में एक साथ पढ़े लिखे सर, गोटियाँ भी खेलते थे। मैंने आने की खबर उन्हें पहले ही दे दी थी। ये देखिए सर, उन्हीं का एड्रेस है ना। अरे बापे, एड्रेस तो ठीक है। छोटू, इस फ्लैट में कोई इंजन ऑयल राम प्रसाद रहता है क्या? इस प्लॉट में रहने वाले सारे मर्दों के बारे में हम लोगों से बेहतर आपकी पत्नी को पता है। चुप रहो, इस नाम का आदमी अपने फ्लैट में नहीं है कोई। सर सर देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अपने दोस्त के भरोसे पर ही गाँव से शहर आया हूँ। अब मैं क्या करूँगा सर? व्हाट्स गोइंग ऑन? अरे इंजन ऑयल, तुम वहां पर हो? तू मुझे लेने के लिए स्टेशन पर क्यों नहीं आया? मैंने तुम्हें पहले खबर नहीं की थी। क्यों बे सनी, तेरा नाम राम प्रसाद है क्या? खाली राम प्रसाद नहीं, इंजन ऑयल राम प्रसाद। इतना घटिया नाम रखता है, छिट चल रहे यहां से। सर वो मेरा दोस्त है, ऊपर आने दीजिए। ए तुम आओ। लिफ्ट से आना चाहिए था ना? आना तो चाहता था यार, लेकिन लिफ्ट में एक लड़की थी यार, वो अकेली थी, अंदर आने के लिए कह रही थी। कह दिया तो? कैसे आता यार, एक जवान लड़की लिफ्ट में अकेली हो तो मैं कैसे उसमें जाता? अरे ये अपना गांव नहीं है यार, शहर है। पहले यहाँ कैसे रहना है वो सीख लो। मेरी इज्जत का भाजीपाला कर दिया। चला आजा। इसका नाम रियाज है, कंप्यूटर इंजीनियर है। हाय नमस्ते। और ये है छोटू, फ्लैट इसी का है। चॉकलेट चाहिए क्या? माफ कीजिए, मैं सिगरेट नहीं पीता। सिगरेट? सिगरेट और चॉकलेट के बारे में इस गांव वाले को पता भी नहीं चलता है। रियाज ये मेरा बचपन का दोस्त है यार, नाम सोनू है, मेरे गांव का है यार। अरे यार अचानक से इस रूम में अजीब सी खुशबू कहां से आ रही है? मैं बालों में तेल लगा कर आया हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। जाकर रेस्ट कर लो। चल जी। अरे यार ये गांव से फ्लाइट में खड़ा होकर आया होगा, इसीलिए बहुत थक गया होगा, जाकर आराम करो भैया। सनी को बुलाओ। सन्नी को? अरे इंडियन ऑयल राम प्रसाद। अरे आ रहा हूँ, रुको यार। अरे छी, ये सब तेरी वजह से हुआ, चल अंदर जा। क्या है यार? कौन है वो? बताया था ना यार, बचपन का दोस्त है। अपने साथ रहे हो क्या? हाँ यार, जब तक नौकरी नहीं मिलती साथ ही रहेगा। देख उसे नौकरी चाहिए तो मैं दिला दूंगा, लेकिन यार रहने के लायक नहीं है वो। उसकी सूरत तो देखो जरा, उसके तेल की बदबू सुनकर दिमाग खराब हो रहा है। उसे यहाँ से जाने को बोलो अभी। नहीं यार, उसे देखकर ऐसा लगता है इनोसेंट ऑफ इंडिया की तरह दिखाई दे रहा है। जगह दे दो तो यहाँ रहकर हमारे घर का सारा कामकाज कर लेगा वो। वो नौकरी कर पाएगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हम अपने घर का सारा काम करवा सकते हैं। अरे सोनू, आज से तेरी लाइफ तो सुपर हिट सुपर है। कहिए आपको क्या काम है? यहाँ सेठ जी कहाँ बैठते हैं? सेठ जी? ओह एमजी, यहाँ से सीधे जाकर लेफ्ट घूम जाइए। जी चेक द फाइल इमीडिएटली। यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू? क्या चाहिए तुमसे पूछ रहा हूँ भाई।
मैं आपके पास काम मांगने आया हूँ सर। काम? तुम्हें क्या काम कर सकते हो तुम? पेंटिंग करता हूँ सर। ये देखिए मेरी पेंटिंग्स, देखिए सर। हेलो शांति, व्हाट अ सरप्राइज। सुनो, आज रात को मिलते हैं, तुम अपने घर में ही मेरा इंतजार करना। ओके बाय। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ हाँ तुम्हारे जॉब के बारे में, तुम आज से ही जॉब ज्वाइन कर सकते हो। सर 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 सर, आप बहुत अच्छे हैं सर, मैं आपकी मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। हे, इट्स ऑल राइट, मैंने तुम्हारी पेंटिंग देखकर तुम्हें काम दिया है, इसमें इतना खुश होने की जरूरत नहीं। आप महान है सर, इतनी बड़ी कंपनी में इतनी अच्छी नौकरी दी, आप तो मेरे लिए भगवान के समान है सर। अरे ये तो कुछ नहीं है दोस्त, अभी तुम्हें बहुत ऊपर तक लेकर जाना है। बाबा, क्यों गांव वाले, उसकी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई ना? वो गूंगा है, बात नहीं कर सकता, सुन भी नहीं सकता है, सारा सिस्टम खराब है उसका। वो पूछ रहा है कि तुम इतने दुखी क्यों हो, गांव की याद आ रही है ना तुम्हें? क्यों, मैंने ठीक बोला ना? दुखी नहीं, मेरे गांव में मेरा अपना कोई भी नहीं है, इसलिए अच्छा कलाकार बनने के लिए शहर में आया था, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ सड़क पर पेंटिंग करनी पड़ेगी। बड़े भैया, मैं भी बड़ा क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता था, सचिन तेंदुलकर की तरह, महेंद्र सिंह की तरह, लेकिन हार कर मैं पेंटर बन गया हूँ। कोई बात नहीं, फिर भी व्हाइट ड्रेस मेंटेन कर रहा हूँ। सुनो, ये होर्डिंग ही मेरा क्रिकेट ग्राउंड है, एक कलर का डिब्बा क्रिकेट का बॉल है, ये ब्रश क्रिकेट बैट है, ये बात नहीं कर सकता इसलिए मैं एम्पायर हूँ। इसके बारे में सोच के दुखी मत हो, भैया वो गूंगा है, लेकिन लड़कियों के विषय में मस्त आदमी है, बड़ा खिलाड़ी है। क्यों भैया, यकीन नहीं हो रहा ना? यही तो गोलमाल है, शहर की लड़कियों को लड़के जरूरी नहीं है, स्टाइलिश टॉकिंग जरूरी है। हेलो ब्रदर, टॉकिंग कहते ही हवाई जहाज को क्यों देख रहे हो? उसमें की लड़की हमको नहीं पटेगी, लेकिन पहले काम करो यार। काम कर दे, पेंटिंग का पटाने चल रहे लड़की। देखो वो लोग आ गए हैं, चलो। भाई साहब नमस्ते। भाभी जी, हाँ मैं बस ठीक। क्यों भाई गुलदस्ता लेकर आए? तेरे लिए नहीं है, तेरी बेटी श्वेता के लिए। कहाँ है श्वेता? कहाँ है श्वेता, कहाँ है श्वेता? वहाँ देखो। हमारी श्वेता कहाँ है? वो फर्स्ट टाइम इंडिया आई ना, सब कुछ नया लग रहा होगा। वो सब ठीक है यार, एमएलए लोग, एमपी लोग जीत जाने के बाद नाचते हुए बजाते हुए झूठे वादे करते हैं और हम हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बनाते हैं। Hi Rishma, hi, how Sunny, are you? Hi. Hello. Hi. Please, please come, come. Please come on. आओ मैं अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। Yeah, he is Riyaz, computer engineer, working in IBM. Hi, I'm Rishma. Hi. I'm Priya. Hello. I'm Manju. He is Mr. Chotu. Hi. Hello. 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 Hey Sonu, ऐसे क्या दिख रहा है? इधर आ जाना। आ ना। He's my friend Sonu. Hi. 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 मेरे रूम में एसी और नरम गद्दे हैं, वहीं पर चलते हैं ना। सोनू कहाँ यार? ए सोनू इधर आ। अरे आना यार। इन सब से मिलो। हाय सोनू, सबके लिए कॉफी ले आओ जरा।
जल्दी से ले आओ यार, जाओ। लेट्स गो। हाँ, कम ऑन। ए कम ऑन जोरो, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। कॉफी कॉफी कॉफी। कॉफी आ गई। ऐसे क्या देख रहा है भाई, कॉफी पिलाना सबको। दो यार, दो ना। ये लीजिए कॉफी। ए, आज तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? आप भी कॉफी लीजिए। हम भी लेंगे, तुम यहाँ से जाओ। हाँ जाओ, जाओ काना। ये सनी, कौन है वो? तुम्हारा फ्रेंड है क्या? हमसे मिला है क्यों नहीं? हाँ, दोस्त। दोस्त है? उसके गले में तावीज, कानों में बाली, बहुत बुरा लग रहा था। शिट, उसमें से कितनी गंदी बदबू आ रही थी ना। गाँव वाला है, इतनी बदबू तो होगी। लेकिन सनी, तुम्हें ये मिला कहाँ? थोड़ी बहुत इंग्लिश आती तो भी ठीक था। चीची, इसको अगली बार हम आएंगे ना तो घर में मत रखना। सोनू कहाँ चला गया पता नहीं। अरे तू यह क्या कर रहा है यार? इस समुद्र के रास्ते से सिंगापुर कैसे जाएंगे, यही सोच रहा है क्या? इतना उदास क्यों है यार? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या बात है यार? ओहो, सुबह आई हुई लड़कियों से तेरा परिचय नहीं कराया इसीलिए ना? हाँ। अबे बेवकूफ कहीं के, वो हाई क्लास की लड़कियां हैं, वो तेरे लेवल की नहीं है। वो फटाफट इंग्लिश में ही बात करती हैं, और तुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, इसीलिए तेरा परिचय उनसे नहीं कराया। ये बात है? तू क्या समझा? छोटू जी, लड़कियों को केबिन में बुलाने का कोई आइडिया? आइडिया बताने के लिए कहा तो ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या बात कर रहा है, मैं बताता हूँ ना। करेक्ट, लड़कों को लड़कियों की आंखों में आंखें डालकर प्यार से देखना चाहिए, तभी लड़कियां लड़कों पर जान न्यौछावर कर देती हैं। सच में? सच में। एक आइडिया और बताओ ना मुझे। एक और आइडिया। टाइम लगेगा यार, टाइम। टाइम का मतलब? टाइम बोले तो ये घड़ी भी लड़कियों को पटाने में काम आती है। ऐश्वर्या राय भी पटेगी, हाथ में घड़ी होनी चाहिए। तुम उससे टाइम पूछोगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। इसे घड़ी की टेक्निक कहते हैं। ऐसा क्या? तुम बस स्टॉप पर खड़े होकर सुंदर लड़की से बात करने के लिए टाइम पूछो, वो लड़की टाइम बताएगी। उसके बाद तुम उसे स्माइल दो, उस लड़की के साथ तुम भी उस बस में चढ़ जाओ। उसके बाद तुम उस लड़की की आंखों में अपनी आंखें डाल दो, और फिर समझो वो लड़की तुमसे पट गई। एक्सक्यूज मी, टाइम प्लीज। हो हसीना, नीना मीना रीना,
जो भी हो सबको है लव में ही जीना, यही है प्यार प्यार प्यार, ओ सुन ले यार प्यार प्यार, ना कर तू प्यार से इनकार, ये प्यार नहीं कोई क्राइम। प्यार का है टाइम, रोमांस का है टाइम, सुन लो ऐ हसीनो एडवांस है ये टाइम। प्यार का है टाइम, रोमांस का है टाइम, सुन लो ऐ हसीनो एडवांस है ये टाइम। हमेशा ये दिल है दीवाना, ना मानो हार हार हार, लव इज वार वार वार, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में लव टाइम इज गुड टाइम। हे प्यार का है टाइम, रोमांस का है टाइम, सुन लो ऐ हसीनो एडवांस है ये टाइम। प्यार का है टाइम, रोमांस का है टाइम, सुन लो ऐ हसीनो एडवांस है ये टाइम। इश्क में जो डूबे हैं देखे ना वो टाइम, ये मस्तियाँ गुस्ताखियाँ करने का है टाइम, तो आओ झूम लो नाच लो डांस का है टाइम। सपना था, सच नहीं था वो। लड़की से टाइम पूछते समय इंग्लिश में स्टाइल से एक्सक्यूज मी टाइम प्लीज इस तरह पूछो। एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी टाइम प्लीज। अरे तू गई कहाँ थी? एक्सक्यूज मी, मेरा फोन भी नहीं उठाया, फोन लेकर नहीं गई थी? हाँ 1:30। थैंक यू। अरे ये क्या यार, उसने टाइम पूछा तो तुम गुस्सा दिखा रही हो? उसने तो थैंक्स भी बोला और चला गया। वो रास्कल मुझसे टाइम पूछने के लिए नहीं आया था, वो तो मुझसे दोस्ती करने के लिए आया था। देख तो जरा कैसे धक्के मार रहा है लड़कियों को। अंधा है क्या, दिमाग खराब हो गया क्या? अरे देखो जरा क्या पागलों की तरह कर रहा है ये। हाँ, अच्छा, एक्सक्यूज मी टाइम प्लीज। अरे गधे के बच्चे, हैं? बहुत देर से देख रही हूँ इस लड़की को, खड़े हुए यहाँ 10 मिनट नहीं हुए, एक के बाद एक लड़के आके उससे टाइम पूछ रहे। अरे तुम लोगों के पास घड़ी खरीदने की औकात नहीं है, लड़कियों से टाइम पूछते हो, लड़कियों को पटाते हो। देखो भाई जरा देखो इन लोगों को। सुनिए, अरे तू मुझे क्या टाइम वाइम बताएगा? हा? मैं तेरा टाइम खराब करती हूँ। अरे लड़कियों को छेड़ेगा लोभर कहीं का, चल भाग यहां से। लड़कों को लड़कियों का पीछा भी करना चाहिए। एक्सक्यूज मी टाइम प्लीज, घर पर चलो बताती हूँ। ओह बड़ी खतरनाक लड़की है। इसको ट्राई करता हूँ। एक्सक्यूज मी टाइम प्लीज, टाइम, एक मिनट रुकेंगी।
Yes? आपकी शर्ट बहुत अच्छी है. आपकी सूरत और भी अच्छी है. Oh, thanks. Thank you. लेकिन आपकी सूरत पर ये काला चश्मा अच्छा नहीं लग रहा है. इसे निकाल देंगी तो अपनी आंखों से आपकी खूबसूरत आंखें देख लूं. अरे बाप रे. ओह अरे रे. आ आ आ आ आ डॉक्टर साहब, अब इसकी तबीयत कैसी है? नो प्रॉब्लम. उठकर चल तो सकता है ना डॉक्टर? उठकर चलेगा जरूर, फिलहाल उसे आराम करने दो. एक्सीडेंट तो सोनू का हुआ है, मैं आराम क्यों करूं डॉक्टर? शट अप, मैंने उसके बारे में बोला था. डॉक्टर ने ओके बोल दिया ना. चल बाहर चल के दम मारते हैं. चल छोटू. छोटू हे, तेरा क्लोज फ्रेंड तुझे बुला रहा है, जाकर मिल ले. जा. क्या है? किसी को बताया तो नहीं कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ? नहीं बताया, सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा कर बता दूं क्या? मेरी बात ध्यान से सुन. देख, पेंटिंग करते वक्त तेरा पैर फिसल गया और तू नीचे गिर गया. यही बात मैंने सबको बताई है, तू भी बता देना. अपना मुंह कभी मत खोलना. बाप रे, मैं मुंह नहीं खोलूंगा. वेरी गुड, मैं जाकर सुट्टा मार कराता हूँ. जरा यहाँ आइए ना. छोटू, अब क्या है? यहाँ एक सुंदर नर्स रहती है ना? रहती है. तो एक और आइडिया बता दो, उस पर ट्राई कर लूंगा. क्या हुआ? आइडिया पूछने पर मुंह क्यों टेढ़ा कर लिया? मुझे सोचने दे, फिर आकर तुझे बताता हूँ. हाँ हाँ, फिर ठीक है. अबे ऐसे क्यों हंस रहा है? यहाँ हंसू नहीं तो क्या करो यार, उस पेंटर का हाथ टूटे अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है, फिर एक आइडिया पूछ रहा है. जोर से मत हंसो यार, उसे हम मामू बना रहे हैं, उसे अभी तक पता नहीं चल पाया है. अरे असल में वो अपने बारे में क्या समझ रहा है? उसे लगता है कि उस गांव के लड़के के सामने शहर की सारी लड़कियां लाइन लगा के खड़ी हो जाएंगी. अबे अगर हमें पता होता कि लड़कियों को कैसे पटाना है तो बताते ना. हमें ही समझ में नहीं आता कि आई लव यू बोलने के लिए क्या करें, तो फिर उससे कैसे पटेगी लड़की. पढ़ा लिखा भी नहीं है, लोगों से कैसे बातें करनी चाहिए ये भी पता नहीं है, शक्ल तो बिल्कुल ही नहीं है, ऐसे में कोई लड़की उसे कैसे पसंद करेगी. किसी लड़की से टाइम वाइम पूछा ना तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगी. हाँ, चल जा यहाँ से, देख रहा है घूर घूर के, चल जा. एक्सक्यूज मी, टाइम प्लीज. 9:20. यही बात हंसकर भी तो कह सकते थे, इतने गुस्से में क्यों कह रहे हो? किस चीज का घमंड है तुम्हें? सचमुच कलयुग है बेटा, इस तरह की बदतमीज लड़कियां भी है. देखो ऐसी बदतमीज लड़कियां भी हैं. भगवान ने इन्हें सब कुछ दिया है मगर बोलने की शक्ति नहीं दी, गूंगी है बेचारी. बेचारी. Yeah! Yeah! Woo! Woo!
क्या हुआ बेटा? अरे इसे क्या हुआ? माँ, बोलो तो, क्या बात है? I got it, माँ. मॉम, देखो, मैं अमेरिका नहीं जा सकता, पापा ने कहा था ना. I got a letter from US. Goodbye to India. Chalo, America. Congrats, बेटा. तुम अमेरिका जा रहे हो, ये अच्छी बात है. लेकिन वहाँ से जो लड़की आई उसके बारे में तो सोचो. क्या हुआ मॉम? What's the problem? Hey, श्वेता, what happened? इंडिया पसंद नहीं आया क्या? देखो श्वेता, तुम जब तक यहाँ हो तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है. तुम्हारे पापा हर रोज फोन करके पूछते हैं मेरी बेटी कैसी है, मेरी बेटी कैसी है. तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ. कुछ भी तो नहीं अंकल. विक्की, रामनगर बस्ती में गूंगे लोगों का कोई इंस्टीट्यूट है क्या? वहाँ क्या है? डांस स्कूल एड्रेस के बारे में वहाँ एक लड़की से पूछा. बेचारी वो लड़की गूंगी थी, लेकिन वो लड़की क्या कहना चाह रही थी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था. फिर मुझे एक लड़का मिला, वो गूंगा था लेकिन इशारे से मुझे समझाया और मैं आसानी से समझ गई. व्हाट श्वेता, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों टेंशन लेती हो? नहीं विक्की, कोई भी अगर गूंगा पैदा होता है तो उसकी लाइफ बहुत मुश्किल होती है. खुश रहो बेटी, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो. अरे ये क्या, ये टीचर के पैर को छूकर नमस्कार नहीं कर रही है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है. आप लोगों ने आज ही डांस क्लास ज्वाइन किया है तो हम लोग डांस प्रैक्टिस शुरू करते हैं, ठीक है? ओके मैडम. एक्सक्यूज मी. हाय, आई एम लक्ष्मी. आई एम श्वेता. डांस सीखने के लिए तुम अमेरिका से आई हो ऐसा सुना है मैंने. वहाँ से आकर भी भरतनाट्यम सीख रही हो, चूड़ीदार कपड़े पहन रही हो, मतलब इंडियन कल्चर बहुत पसंद है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है. अमेरिकन कल्चर में कुछ चीजें अच्छी भी है, जैसे कि इंडियन कल्चर में अच्छी और बुरी दोनों. अच्छी बुरी मतलब? आप सब ने जब टीचर के पैर छुए ना तो मुझे पसंद नहीं आया. पैर छूना गुरु के सम्मान की बात होती है. ओके, अभी तो हमारी मुलाकात हुई है, इतनी जल्दी आर्ग्यूमेंट अच्छा नहीं. लेट्स गो. हेलो, एक्सक्यूज मी. यस. आप सुष्मिता की बहन हैं? नहीं तो. फिर शिल्पा की सिस्टर हैं? नहीं तो. फिर इतनी मटक मटक कर क्यों चल रही हैं? थोड़ा आराम से चलो ना. स्टूपिड. आहा, कितनी मोहब्बत से बोल के गई. अरे ऐश्वर्या सुन तो. हाँ. तू मुझे कल फिल्म दिखाने वाली थी, क्या हुआ? अरे कल बहुत काम था यार. अच्छा, देखा तूने? हाँ ठीक है. उसका नाम है ऐश्वर्या. चेहरे से लगती है ललिता पवार. ऐसी ही लड़कियाँ इस कॉलेज में भरी हुई हैं. कोई अच्छी लड़की हम लोगों को दिखाई देगी क्या यार? ऐश्वर्या, सुष्मिता. अबे देख. पुकारा क्या? पुकारा नहीं, चिल्लाया मैं. सुपर फिगर अभी अंदर गई है. कम ऑन, फॉलो मी. यहीं पर तो आई थी, कहाँ गई वो हीरोइन? हाँ चलो आगे देखते हैं. दिखने में कितना भोला भाला लगता है ये. भगवान ने इसे जुबान भी नहीं दी. भगवान ने इस लड़की को कितना खूबसूरत बनाया है, लेकिन बेचारी को गूंगी बना दिया. कहाँ गई यार? अरे वहां देख, ऊपर दुकान के पास खड़ी है, वही लड़की है. अरे वो किससे बातें कर रही है पता है क्या? वो अपना पेंटर बाबू है ना. इतनी जल्दी पटा लिया उसे? पूछता हूँ ना. अरे ओ पेंटर बाबू, उसने लड़कियों के सामने मेरी बेइज्जती की थी ना. अब बताता हूँ. अबे ये जा बजा जा.
अबे ये आजकल की लड़कियों का टेस्ट क्या है पता ही नहीं चलता। अपना अपमान है यार, अपमान है। सुन बे, चिल्लाना छोड़ के उसे यहाँ बुलाओ। अबे सोनू, अरे पेंटर बाबू, इधर देख। अरे सोनू, जोर से आवाज लगा। धीरे बोला क्या? ए सोनू, अरे पेंटर बाबू, अरे तुझे सुनाई नहीं देता क्या? ओए सोनू, देख तो इसे कितना घमंड हो गया है, कुत्ते की तरह भौंक रहा हूँ तो भी नहीं सुन रहा है। सोनू सोनू सोनू, लगता है पागल हो गया है। हमारी आवाज सुनकर भी अनसुना करके जा रहा है रास्कल, देखा ना? देख ना कमीने को, एक लड़की को पटा लिया तो हम सबको भूल ही गया है। टाइम यार टाइम। सुन अभी छोड़ दे, रात को जब घर आएगा ना तो पूछेंगे कौन थी वो लड़की। कौन थी वो लड़की? कौन सी लड़की? वही तो हम भी पूछ रहे हैं। सुबह शॉपिंग मॉल में जिस लड़की के साथ बातें करके फंसा रहा था वही लड़की। ओहो, वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है मैन। क्या? या गर्लफ्रेंड। वो लड़की तुझे कितने दिनों से जानती है? यही कोई 2 महीने से। तुम क्यों पूछ रहे हो? अबे गांव के गंवार, तुझे शहर में आकर अभी 8 दिन हुए और तूने 2 महीने से लड़की को पटा लिया? क्यों, पटाने के लिए 2 महीने का समय ज्यादा है क्या? ऐसी बात नहीं है पेंटर बाबू, वो लड़की फॉरेन से पढ़ाई करके आई है ऐसा लगता है, और तूने पढ़ाई की है गांव के चौपाल पे, फिर उस लड़की को तूने कैसे पटा लिया रे? आपको बताने पर समझ में नहीं आएगा, ये एक आर्ट है। टाइम यार टाइम। पर उस लड़की को अपने एरिया में जरूर कहीं देखा है। क्या, अपने एरिया में वो लड़की? हाँ। सुनो भाइयों, आप ज्यादा से ज्यादा जगदम्बे सेंटर तक गए होंगे, नहीं तो यूनिवर्सिटी लेडीज हॉस्टल तक गए होंगे, नहीं तो तजुर्बेकार नर्स के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक गए होंगे, यही आपकी रेंज है। लेकिन ये लड़की आपकी रेंज से थोड़ी ऊपर है। क्यों अपमान कर रहा है बे? This is too much, huh? Too much नहीं, my dear friends. मैं सच बताऊंगा तो आपको बुरा तो लगेगा, क्योंकि मैं एक सुंदर लड़की के साथ आराम से घूम रहा हूँ, ये आप सहन नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक काम करता हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके आपके लायक लड़कियाँ देख कर मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूँ। ओके अब मैं चलूँ क्या? ओ बाय द वे मिस्टर छोटू, कल सुबह 5:30 बजे मुझे जगा सकते हो क्या? वो किस लिए? उस लड़की के साथ मुझे जॉगिंग पर जाना है। ओह, यू वांट एनी चॉकलेट? ला नो। ओके। अरे मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं करती है। सुन, 2 दिन का समय दे मुझे, उस लड़की की सारी डिटेल्स लेकर आता हूँ। लग जा काम पे। दया करो साहब, साहब दया करो साहब, बिना पैरों का अपाहिज हो साहब, दया करो साहब, साहब दया करो, क्यों इतने देर से आए हो साहब? अल्लाह के नाम पे दे दो, कुछ दे दो साहब, दे दो दीदी, दे दो, भगवान भला करेगा, दे दो बहन जी, दे दो, मदद करो, भगवान भला करेगा, दे दो पैसे। देखा तूने, वो कितना केयरलेस घूम रहा है, नाम पे दे दो, भगवान सिग्नल शुरू होगा तो बीच में फंस जाएगा, मुझ बेचारे को कुछ दे दो, कुछ भी नहीं होगा, दे दो, भगवान भला करेगा, बहन जी भाई साहब दे दो, दे दो इस अपाहिज को। बिल्कुल चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। क्या कुछ नहीं होगा, एक बार उसे देखना, कितना बड़ा रिस्क ले रहा है। कुछ देते जाओ इस लाचार भिखारी को, कुछ देते जाओ, भगवान भला करेगा, अल्लाह भला करेगा, दे दो। माय गॉड, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता है, पेट की खातिर उसे जीवन यूं ही गुजारना पड़ेगा क्या? इंडिया में ये सब पेट भरने के लिए करना पड़ता है श्वेता, छोटी छोटी बातों के लिए अपसेट मत हो। ऐसा नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर किसी कार या ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ तो। पता नहीं इन लोगों की जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों होती हैं, बेचारा। स्टॉप इट श्वेता, यहाँ आना। यस मैडम। डांस का मतलब सिर्फ पैर हिलाना नहीं होता, नृत्य के हिसाब से हाव भाव चेहरे पर दिखना जरूरी है। कृष्ण ने सत्यभामा को पहली बार देखा तो सत्यभामा के चेहरे पर शर्माना साफ दिखाई दे रहा था, तुम भी वही भाव करके दिखाओ। ये क्या श्वेता, तुम ठीक से शर्माना भी नहीं जानती? मैडम मुझे ये नहीं आता है। तुम्हें अपनी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीखना है, क्लास के बाद मुझसे आकर मिल लेना। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। डांस तो तुम ठीक ठाक कर लेती हो, लेकिन चेहरे के हाव भाव ठीक से नहीं दिखा पाती। उसके लिए मुझे क्या करना होगा मैडम?
किसी विषय में अगर तुम्हें बात करनी हो तो जुबान से कहे बिना आंखों से बात कर सकती हो। अपने भाव को व्यक्त करो और उसे समझाने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, गूंगों को तो देखो, वो भी तो बात नहीं करते लेकिन इशारों से सब कुछ कह डालते हैं। उनकी तरह तुम भी ट्राई करो, एक दिन तुम जरूर बड़ी डांसर बनोगी। श्वेता, ये है उस लड़की का नाम। पैदाइश परवरिश लॉस एंजलिस सिटी, अमेरिका। उसके माता पिता वहीं के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। श्वेता अपने माता पिता के साथ अमेरिका से पहली बार इंडिया आई है। वहां से इंडिया घूमने आई लड़की को भरतनाट्यम सीखना अच्छा लगा, इसलिए उसके किसी रिश्तेदार विठल राव के घर में रहकर डांस सीख रही है। सुन बे पेंटर, हम लोग तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में ही बात कर रहे हैं। उसकी सारी डिटेल हमारे पास आ गई है। तुझे पता नहीं होगा, वो लड़की तुझे जानती भी नहीं है और 2 महीने से तू उसके साथ जॉगिंग करता है, उसके बालों में उंगलियां घुमाता है, हमसे झूठ बोलता था ना। अरे हम किसी लड़की को एक बार देख ले तो काफी होता है कि वो लड़की फ्रेंडशिप करने के लिए रेडी है या नहीं, या फिर वो सब कुछ करने के लिए रेडी है, एक मीटिंग में बता सकता हूँ। क्या सोच रहा है बे? यही सोच रहा होगा ना कि हमने कैसे पता लगा लिया। सुन ले, रात दिन हम लोगों ने मेहनत करके कई लड़कियों को और कई आंटियों को पटाकर उन्हें कब्जे में लिया, तब कहीं जाकर उन लोगों ने अपना मुंह खोला। हम तीनों मास्टरमाइंड है, तू अपना गांवटे दिमाग मत लगाना, समझा? ए, श्वेता जैसी लड़की कितने बॉयफ्रेंड होंगे जानता है? झूठ बोल रहे हो। श्वेता जैसी सुंदर लड़की ने मेरे साथ दोस्ती की है, इसलिए तुम लोग जलकर मुझे ऐसा कह रहे हो। ऐसा क्या, तुझे लगता है हम तुझसे जलकर बोल रहे हैं? सुन, वो लड़की गुंगी मुंगी नहीं है, बहुत बोलती है वो लड़की। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। धोखा नहीं देगी, इतना ज्यादा भरोसा है। अभी तुझे उस लड़की के बारे में बताता हूँ, चला मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, ISD कॉल करना है, गो टू फर्स्ट केबिन। थैंक यू। क्या हुआ, सुनते ही शॉक्ड हो गए ना? सुन लिया ना वो लड़की कहाँ फोन करने जा रही है, वो लड़की किस देश में कौन से बॉयफ्रेंड से कौन सी भाषा में बात करती है, सुनना है? सपना, वो लड़की कहाँ बात कर रही है, जरा उसका कनेक्शन देना। ठीक है, थर्ड केबिन में जाइए। जा भाई, जा ना, वो लड़की किससे बातें कर रही है सुन ले। गो डियर, गो। डैडी, मैं बोल रही हूँ डैडी, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं लंदन जाती तो ठीक होता। टेलीफोन हमेशा खराब रहते हैं। एवरीथिंग इज एडजस्टमेंट डैडी, और ऊपर से यहाँ के लड़कों को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो उस बात का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं, फौरन आई लव यू बोल देते हैं। इसीलिए किसी से बात करने से भी डर लगता है डैडी। बट वन थिंग डैडी। बट क्या है? कल मुझे एक बहुत अच्छा लड़का मिला। वो सच में अच्छा है। He is so nice, Daddy. I like him very much. संभल कर बेटी, कहीं वो तुम्हें I love you ना बोल दे। No, Daddy. बोलना चाहे भी तो बोल नहीं सकता। क्यों? Daddy, वो बेचारा गूंगा है। अभी से क्या हो गया यार? और क्या होगा? फोन पर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे किस किया होगा और इसके कान में बम फट गया होगा। मुझे तो यहाँ सिर्फ उसी से फ्रेंडशिप करने को दिल करता है। ठीक है, टेक केयर। ओके डैडी, आई कॉल यू लेटर, बाय। बाय बेटा। क्यों बे, इंग्लिश फिल्म टाइटैनिक के हीरो की तरह अकड़ के क्यों आ रहा है? कौन से बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, पीटर के साथ या बिल क्लिंटन के साथ? उनमें से किसी से नहीं, अपने डैडी से बात कर रही थी। डैडी के साथ क्या बातें कर रही थी? हाँ, हम दोनों की शादी के बारे में डैडी से पूछ रही थी। हाँ, तेरे साथ? और क्या, शादी के बाद हम इंडिया में रहेंगे या अमेरिका में, ये पूछ रही थी उनसे। उसके डैडी ने क्या कहा? कहा कि इस बारे में मुझसे डिस्कस करे। फिर उस लड़की ने क्या कहा? मुझसे डिस्कस करके कहा है कि अपने डैडी को बताएगी, अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं, लड़की से भी मिलना है। एक्सक्यूज मी, मतलब इंग्लिश समझ में नहीं आती क्या? जरा हट जाओ सामने से। ये तो बहुत आगे निकल गया है यार। टाइम यार, टाइम। उस लड़की ने इसमें क्या दिखाया जो किस पर मर रही है वो? मरने के लायक इसमें है ही क्या यार, हाथ में पेन का डब्बा और कान के ऊपर पेंसिल। डोंट वरी, देयर इज समथिंग रॉन्ग। उस लड़की को इसने कैसे पटाया है, 2 दिन में पता लगाकर
तुम्हारे सामने हाजिर होता हूँ मैं। क्यों बड़े भैया, आज आपका चेहरा फटे पोस्टर की तरह क्यों लग रहा है? ए, याद है उस दिन गूंगी लड़की के बारे में बताया था? याद है। वो सचमुच में गूंगी नहीं है बल्कि मुझे गूंगा समझती है। समझती तो समझे दो, इतनी सी बात के लिए इतना घबरा क्यों रहे हो भाई? मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो फ्रेंड्स रहते हैं उनके बारे में सोचकर डरता हूँ। किस लिए? मैं गाँव का रहने वाला हूँ ना, फैशन नहीं जानता, इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मुझे लड़कियों से दूर रहना चाहिए, ये कहते रहते हैं मुझे। हाँ तो? इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि वो लड़की मेरी लवर है, अगर उन्हें सच बात का पता चल गया ना तो मुझे मार डालेंगे यार। हेलो, मैं क्या? आप नहीं, उनको। इनको क्या? ए, मैं इसी लड़की के बारे में बात कर रहा था, ये लड़की मुझे गूंगा समझती है, अब क्या करूं यार? अबे करना क्या है, ऊपर बुला लेते और उसके सामने तू थोड़ी देर के लिए गूंगा बन जा। अब 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 अब। ए, मैं फंस गया और तुम्हें मजाक सूझ रहा है यार। सोनू, तेरे दोस्त ऐसी लड़की को देखेंगे तो पागल हो जाएंगे, अब तू जल्दी से नाटक शुरू कर दे। सुनिए, हर दिन ये दोनों गूंगी भाषा में बोलकर सर खाते हैं, अब इनके साथ तुम भी मिलकर बा 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 करो। वो ठीक से सुन तो सकता है लेकिन बात नहीं कर सकता है। सच में क्या? प्रॉमिस। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। ये जगह ना मुझे बहुत पसंद आई, हर दिन इतने ऊपर आकर पेंटिंग करते हो। मेरी डांस क्लास यही पास में है, डांस क्लास के बाद मैं बोर हो जाती हूँ, इफ यू डोंट माइंड क्लास के बाद यहाँ आकर मैं टाइम पास कर सकती हूँ क्या? मान भी जा। नहीं, मैं आकर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अबे मान जा। वाओ, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। कम ऑन। देखो ये दिल है जो दिल से ही प्यार में पागल दीवाना हुआ, थोड़ा मजनू और रांझा हुआ। माने किसी की न ये है दीवाना, निकम्मा पे शर्म है ये है परवाना। समझाए कैसे इसे मन, इसको लागी है प्रेम लगन। देखो ये दिल है जो दिल से ही प्यार में पागल दीवाना हुआ, थोड़ा मजनू और रांझा हुआ। कभी बादलों में उड़ता फिरे बेमौसम बरसे, कभी नदियों की लहरों में लहराए वो, कभी पर्वतों पे चढ़े। जनना वो मनना वो सोचे ना कभी, कभी पीछे कभी आगे दौड़े भागे, कभी ऐसे हीर पे रांझा मिटा।
देखो ये दिल है जो दिल से ही प्यार में पागल दीवाना हुआ, थोड़ा मजनू और रांझा हुआ। चैन हर पल रहूं, होठों पे आए ना दिल की जुबां, कैसे मैं तुमसे कहूं। नींद गई है, चैन उड़ा है, छाई है बेताबी, खोए दिन है, जागी रातें हैं, शाम है शराबी। तेरी मोहब्बत में यूं मर मिटा, जैसे लैला पे मजनू मिटा, जैसे हीर पे रांझा मिटा। देखो ये दिल है जो दिल से ही प्यार में पागल दीवाना हुआ, थोड़ा मजनू और रांझा हुआ। देखो ये दिल है जो दिल से ही प्यार में पागल दीवाना हुआ, थोड़ा मजनू और रांझा हुआ। माने किसी की न ये है दीवाना, निकम्मा पे शर्म है ये है परवाना। समझाए कैसे इसे मन, इसको लागी है प्रेम लगन। पता है सोनू, मैं इस सस्पेंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। इस फाइन आर्ट्स कॉलेज से आपका रिश्ता क्या है? अबे ए, वे, 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 वे। मतलब तुमने यहीं से पढ़ाई की है? तुम्हें गोल्ड मेडल भी मिला है। ओ कंग्रेट्स। सोनू आओ ना। सुनिए जी, सुनिए तो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सारे सामान को तोड़े जा रहे हो, आप ही की बैठे बैठे पेपर पढ़ रहे हैं। अरे अरे पेपर छोड़िए, जाकर पूछे तो उसे हुआ क्या है। क्या पूछूं, इसमें नया क्या है? एक तो उसने पढ़ाई अच्छी नहीं की, कोई इंटरव्यू ढंग से नहीं दिया, कोई काम का नहीं है वो। इसे अमेरिका का वीजा इतनी आसानी से मिल जाएगा, इसीलिए वो यहाँ तोड़ फोड़ कर रहा है। जाओ जाकर रोको उसे। सोनू, समझो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। समझो फॉर द टाइम बीइंग, अगर तुम्हें मेरे पास आकर आई लव यू कहना हो तो कैसे कहोगे? वाह वाह वाह। सोनू, किंग कॉन्ग फिल्म में गोरिल्ला कैसे करते हैं करके बताओ ना। स्टॉप इट, तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है क्या? तुम सब लोग मिलकर इन्हें क्यों सता रही हो? वो तुम्हारी तरह बोल नहीं सकता, पता है ना। सोनू, तुम वहां जाकर खड़े हो जाओ। एक शरीफ आदमी को सर्कस का एक जोकर समझ रखा है क्या तुमने? सुनो, तुम्हें टाइम पास करने के लिए यही मिला है क्या? हमें डांट कर तू क्या बोलना चाहती है? तू टाइम पास नहीं कर रही है, उसे मदद करने के बहाने तू भी तो टाइम पास कर रही है उसके साथ। ए चलो। सोनू, कल तुम्हें कोई काम है क्या? कल शनिवार है ना, एड एजेंसी में जाकर वर्क ऑर्डर लेना है। ठीक है, कल शाम को 5 बजे तुम्हारे ऑफिस में आऊंगी, मेरा इंतजार करना। ओके गुड। सोनू, तुम कैसे करोगे मुझे पता नहीं, कल तक ये ले लो, ये टाटा इंडिकॉम होर्डिंग, सिटी बैंक की होर्डिंग, पेंटिंग पूरी हो जानी चाहिए। ओके ओके सर। घर गया तो फ्रेंड्स, और यहाँ रुका तो वो दिमाग खराब करके रख देगी मेरा। हेलो, कौन? पेंटर सोनू। एक मिनट। ए सोनू, तेरा फोन है। हेलो, मैं सोनू बोल रहा हूँ, आप कौन? हाँ सोनू, मैं हूँ यार रियाज। मेरी बात सुन, मेरी कंपनी वाले ने मुझे एक नई गाड़ी दी है। मैं, छोटू, सनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अलंकार थिएटर जा रहे हैं। तू भी श्वेता को लेकर आ सकता है वहाँ। श्वेता को? सॉरी, वो ऐसे बाहर नहीं जाएगी।
ए, न्यू फिल्म है यार, बहुत मजा आएगा, खुशी से आ सकती है वो। तू भी साथ में फिल्म देख सकता है। तू भी फिल्म देख सकता है साथ में, और श्वेता से हमारी मुलाकात भी हो सकती है। और हाँ, और हाँ, श्वेता से हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। देख रियाज, यहाँ तू गलत बोल रहा है। मेरी गर्लफ्रेंड डिफरेंट टाइप की लड़की है। मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में तुम क्या समझते हो यार? तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स की तरह फिल्म देखने वाली, घूमने फिरने वाली लोकल टाइप की लड़की है क्या वो? अरे उसकी रेंज कुछ अलग ही है यार। सोनू, पता है टाइम कितना हुआ है? इट्स टू लेट, कम ऑन कम ऑन। सोनू कहाँ जा रहा है? साहब पूछेंगे, क्या बोल ए सोनू, साला पागल हो गया क्या? अचानक फोन क्यों रख दिया तुमने? ए साहब, हम सोनू नहीं, अटेंडेंट हूँ। अटेंडेंट? सोनू कहाँ है? अबे आपसे तो फोन पे बात कर रहा था, लड़की आई थी, बे 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 बोलकर गूंगे की तरह उसके साथ चला गया। क्या कहा? उस लड़की का आते बे 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 बोलकर चला गया? बे बे बे? वो लड़की कैसी थी, गोरी थी क्या? जी हाँ साहब। सुंदर और लंबी थी क्या? हाँ साहब। लड़की हीरोइन जैसी लग रही थी? अरे लग रही थी ना। अच्छा, अरे वो फंस गया। तो आप 8 साल से बात नहीं कर पा रहे हैं? तो क्या ये फिर से बात कर पाएंगे डॉक्टर? Why not? इधर आकर बैठिए। Come on, sit down. Hello. इधर घूमो। Relax. Relax. डरो मत सोनू, कुछ भी नहीं होगा। जुबान दिखाइए। Open your mouth. और थोड़ा। Relax. ऐसे कुछ भी नहीं पता चल रहा है, एक्सरे देखता हूं मैं। एक्सरे तो ठीक है, इट्स नॉर्मल। स्कैन करके देखना होगा। डॉक्टर साहब, पेशेंट की स्कैन की हुई रिपोर्ट आ गई। वोकल कार्ड इज नॉर्मल और सेरिब्रल भी नॉर्मल है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट आपको डिसाइड करना है। शॉक ट्रीटमेंट। सोनू, सब कुछ ठीक है, फिर भी ये बात नहीं कर पा रहा है। अपने इतने दिनों की सर्विस में अभी तक ऐसा केस नहीं देखा। इट्स ओके, स्पीच थेरेपी ट्राई करेंगे। डॉक्टर, स्पीच थेरेपी मतलब? स्पीच थेरेपी का मतलब अंदर ही अंदर बात करने वाली शक्ति को बाहर लेकर के आना। आप अब इनसे छोटी छोटी बातें करने की कोशिश कीजिए, उसे बार बार आप रिपीट कीजिए। इनफैक्ट बेटर होगा कि कुछ दिनों के लिए आप यही तरीका इसके ऊपर कुछ दिनों के लिए ट्राई करते रहिए। व्हाई डोंट यू डू दैट? थैंक यू डॉक्टर। सोनू, देखो सोनू, मैं जो भी कहूंगी उसे सुनकर तुम रिपीट करना, ओके? मम्मा। एप्पल। करती हूँ ना मैं। लुक सोनू, ये सब तुम्हारा दिखावा तो नहीं है, वरना एक दिन तुम्हारा पीछा करके सारा सीक्रेट ओपन कर दूंगा। ओके सोनू, घर पहुँचने के बाद स्पीच थेरेपी की प्रैक्टिस करना। ओके बाय बाय सोनू।
कौन है? क्यों बुला रहे हैं मुझे? आप इस तरह से बात कर रहे हैं ना, इसलिए बुला रहे हैं। शर्म नहीं आती? माँ नहीं है, बहन नहीं है, अंधा हूँ गूंगा हूँ बोलकर एक लड़की को धोखा देकर फ्रेंडशिप करता है, अच्छा लग रहा है तुझे? क्यों बे, उस दिन उस लड़की के साथ जॉगिंग पर जाने के बहाने हमारे साथ रैगिंग किया था, और कल तूने उस लड़की के सामने टॉकिंग के बहाने हम लोगों से चीटिंग किया, हमें पता है। और हाँ, उस दिन हमने पूछा तो कह रहा था लेडीज हॉस्टल तक जाना है, और अब हम कहाँ जा सकते हैं और किससे कहकर तेरी फ्रेंडशिप कट करवा सकते हैं जानते हैं हम। ए, चलो यार। रियाज एक मिनट, गांव से अच्छी जिंदगी बिताने के लिए शहर में आया था, तुम्हारे जैसी पढ़ाई पैसा और शोहरत मेरे पास नहीं है, भगवान ने हमें अलग अलग बनाया है, मुझे तुम लोगों की तरह नहीं बनाया है। प्रकृति को देखकर तुम खुश होते हो, लड़कियों के साथ मजे से घूमते हो, तुम्हारी जैसी चाहत है वैसी चाहत मेरी भी है, लेकिन मैं लड़कियों के साथ मजे लेते हुए नहीं घूम सकता, क्योंकि तुम पैसे वाले लोगों ने मेरे अंदर हीन भावना भर दी है। मेरे साथ रहने वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, मुझे पढ़ाने वाले गुरु, सभी लोग मुझसे प्यार से बात किया करते थे, लड़कियों को लाइन मारने वाले लड़के जब भी मेरी इच्छा होती थी मेरे कहने पर अपने साथ ले जाया करते थे, तब मुझे बहुत खुशी होती थी, लेकिन फिर लड़कियों के सामने अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए वो लड़के मेरा इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन ये सब सहने के बाद भी मेरे दिल में ये पक्का विश्वास था कि मेरा प्यार कहीं तो मेरा इंतजार कर रहा होगा, कहीं तो होगी वो लड़की जो मुझे प्यार करेगी, लेकिन निराशा ही मेरे हाथ लगी। तब ऐसे समय में श्वेता मेरे करीब आई, उसकी दोस्ती ने मुझे खुशियां दी, अपनापन दिया, इसलिए उसकी दोस्ती को मैं खोना नहीं चाहता था, इसलिए श्वेता के सामने मैंने गूंगे होने का नाटक किया, सोचा था स्पीच थेरेपी लेकर उसके सामने ठीक होने का नाटक करूंगा, लेकिन मुझे डर लगा कि कहीं मेरे ठीक होने के बाद श्वेता मुझे छोड़कर कहीं दूर न चली जाए, इसलिए अभी तक गूंगा बना हुआ हूं। श्वेता से झूठ बोलकर धोखा देना गलत है ये मैं जानता हूं, लेकिन इस झूठ की वजह से मुझे जो खुशी मिली है वो मुझे दुनिया में कोई नहीं दे सकता, इस खुशी को मैं बरकरार रखना चाहता हूं कुछ दिनों के लिए ही सही, मेरी चंद दिनों की दोस्ती भी अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है तो जाकर इसे खत्म कर सकते हो। ओके बाय, नाइस मीटिंग यू। ओके सनी, बाय, सी यू। बाय श्वेता। बाय। अरे सोनू, आराम से बातें करना, फिर आना। अरे रियाज नहीं आया? अरे ये हवा कहाँ से आ रही है? सोनू, उन्हें गाली देना चाहिए और तुम थैंक यू बोल रहे हो, देखो वो क्या कर रहे हैं। अबे फैन इधर घुमा यार, मस्त आइटम बैठी है, बहुत सॉलिड आइटम है, बहुत अच्छी आइटम है। फैन इस तरफ घुमा यार, क्या बात है, बदतमीज कहीं के, बिल्कुल भी तमीज नहीं है ने तुम्हारी तो। क्या है? ओके हेलो। हे, कुछ कहा तूने? नहीं तो। बुलाने वाला मैं हूँ। ए, कौन है तू? मैं ही हूँ, पहले चैन बंद करो। We'll be right back.
दोबारा कभी किसी लड़की की तरह फेन मत घुमाना, नहीं कुछ नहीं समझे। बेकार में चप्पल टूट गई। ये लो साहब पहन कर देखिए। नहीं चाहिए साहब, मेम साहब के साथ आए हो, पैसे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं ले लो रामदास। सड़क पर भीख मांग कर जी रहा था, मेम साहब ने मेरी तकलीफ को समझकर मुझे ये दुकान दिलवाई है। इनके साथ आप आए हैं, आपसे पैसा कैसे ले सकता हूँ साहब। फिर आती हूँ रामदास। हाँ ठीक है मेम साहब, नमस्ते साहब। हाय श्वेता। ओ हाय, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, घूमने के लिए बाहर जाने वाले थे, भूल गई क्या? कम ऑन सोनू, तुम चल सकते हो ना। सोनू कम ऑन, चलो ना। कम ऑन कम। टिकट मैं लूंगी। अरे मैं लूंगी ना। हाँ जल्दी करो ना। अरे मैं जल्दी ना। मुझे दे दो। तुम लोग बात तो सुन यार, मुझे मैं ले रही हूँ ना। मैं ले रही हूँ, तो दे देना। चलो यार मत ले, मैं देखो, मैं दूंगी, मैं दूंगी। इज्जत बच गई, चप्पल वाला पैसे लेता तो 5 रुपए भी नहीं बचते। बेटा सोनू दिमाग में अकल है कि नहीं? लड़की ने बुलाया और उसके पीछे पीछे चल दिए, जेब में देखा 5 रुपए, 5 रुपए, सिर्फ 5 रुपए, उसके सामने तेरी औकात क्या है? वो बहुत पैसे वाली लड़की है, देखा नहीं कैसे सरसर नोट खर्च करती है, और तुम क्या बै बै बै। क्यों रे, तुम्हें उसके सामने शर्म नहीं आती है क्या? है शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती? छी, लगता है इसका पेट खराब हो गया है। कहीं ये श्वेता को कोई रिश्तेदार तो नहीं है, उसे बता तो नहीं देगा कि मैं गूंगा नहीं हूँ। सोनू ये पैसा अपने पास रखो, सबके साथ मिलकर तुम्हें खर्च करना है, ओके? देखा है सारा जमाना, अरे तुमसा नहीं कोई जाना। छोड़ो जमाना दीवाना, अरे तुमको है अपना बनाना। ये वादा मोहब्बत का तुम भूल नहीं जाना। ये रिश्ता मेरे दिल का जो तोड़े से टूटे ना। देखा है सारा जमाना, अरे तुमसा नहीं कोई जाना। छोड़ो जमाना दीवाना, अरे तुमको है अपना बनाना। इश्क हुआ है मुझको, हाँ हुआ है ये पहली बार। बाहों में भर लो मुझको, आज ही भर के कर ले प्यार। होले होले दिल मेरा, बोलो क्यों ये धड़कने लगा। पहली नजर पर प्यार, देखो जादू है करने लगा। तेरे मेरे बीच का ये बंधन, ऐसा है ये रिश्ता किसी ने अब तक ना जाना। देखा है सारा जमाना, अरे तुमसा नहीं कोई जाना। छोड़ो जमाना दीवाना, अरे तुमको है अपना बनाना। Thank you.
मुझको हाँ हुआ है ये पहली बार। बाहों में भर लो मुझको, आज ही भर के कर ले प्यार। होले होले दिल मेरा, बोलो क्यों ये धड़कने लगा। पहली नजर का ये प्यार, देखो जादू है करने लगा। तेरे मेरे बीच का ये बंधन, ऐसा है ये रिश्ता किसी ने अब तक ना जाना। देखा है सारा जमाना, अरे तुम सा नहीं कोई जाना। छोड़ो जमाना दीवाना, अरे तुमको है अपना बनाना। ये वादा मोहब्बत का तुम भूल नहीं जाना। रिश्ता मेरे दिल का जो थोड़े से टूटे ना। अरे तेरा भला नहीं होगा। तुझे जबान लड़ाती है। अरे उस लड़की की तीन जबान लड़ाती है, कोई भी मुझे लगड़ा समझ कर जान दे देगा। उससे क्या हुआ, तुम मुझसे जबान लड़ाएगी? मेरे को मार डालूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेम साहब, अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो। मेरी जबान लड़ाती है, कोई भी मुझे लगड़ा समझ कर जान दे देगा। उससे क्या हुआ, तुम मुझसे जबान लड़ाएगी? मेरे को मार डालूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शराब पीता हूँ मैं तो क्या हुआ, नहीं छोड़ूंगा तुझे, मार डालूंगा। कौन है? मुझे चीट करता है। कौन है तू? चीट करता है मुझे। एक क्यों मार रही है मुझे? धोखा देता है लोगों को। तुझे मैं बताती हूँ, अभी चल मेरे साथ। छोड़ दो, चल पुलिस स्टेशन लेकर चलती हूँ। सब कुछ माफ कर सकती हूँ, लेकिन झूठ नहीं। चल रुक जा मेरे साथ। ये जा रही है। अरे चल। ए लड़की, ये मेरा पति है, ये मारे पीटे कुछ भी करे, तू कौन होगी इसे मारने वाली? तुम्हें मारा इसलिए नहीं मार रही हूँ मैं उसे, समझी? इसने मुझे धोखा दिया है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकती। रास्कल, चल पुलिस स्टेशन चल। इस कंप्लेंट पर यहाँ साइन कीजिए। देखा तुमने सोनू, उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। ऐसे भी लोग हैं, इस बात पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता। ऐसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए। सोनू, जो मुझसे झूठ बोलते हैं ना, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करती। ऐसे लोगों को तो जेल में ही सड़ना चाहिए। ऐसे धोखेबाज को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। आई जस्ट हेट हिम। ओके सोनू, कल मिलते हैं। ऐसे लोगों को तो जेल में ही सड़ना चाहिए। ऐसे धोखेबाज को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। आई जस्ट हेट हिम। जो मुझसे झूठ बोलते हैं ना, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करती। अरे सोच, एक मामूली से भिखारी ने उसे धोखा दिया, ये तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। और तू इतने दिनों से उसके साथ गुंगा होने का नाटक कर रहा है, उसे पता चल गया तो सोच क्या होगा। देखो सुन, श्वेता के साथ तेरी फ्रेंडशिप होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर तुम वाकई उस लड़की से प्यार का चक्कर चला रहे हो तो तुम गूंगे हो, ये बात अभी बताना उससे ठीक रहेगा। ऐसा मत बोलो यार, ये सच में गूंगा है समझकर उस लड़की ने इससे दोस्ती की है। जब उसको सच बता देंगे तब वो लड़की इसको ठुकरा कर चली नहीं जाएगी क्या? डोंट बी फुलिश, किसी न किसी दिन श्वेता को पता चली जाएगा कि ये गूंगा नहीं है, बोलता है, तब सोचो वो इससे कितना दुखी हो जाएगी। इसलिए अभी बताना बेटर होगा यार। सोनू, तुम थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। ये लाख रुपए की बात की है तूने, ये गूंगा नहीं है, सच है। श्वेता को अभी बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन सच्चाई छुपाना भी ठीक नहीं होगा। अरे सोनू, पहले एक छोटा सा झूठ बोलकर देखते हैं श्वेता का क्या रिएक्शन होता है, उसके रिएक्शन के बाद हम कुछ और सोचेंगे। ये बात तो सच है कि तुम सचमुच गूंगे नहीं हो, उसे बताना है या नहीं बाद में डिसाइड करते हैं, क्या बोलते हो? सोनू, व्हाट हैपेंड? ऐसे क्या सोच रहे हो? क्या हुआ सोनू, बताओ ना। मैंने तुमसे झूठ बोला था? क्या तुमने झूठ बोला था? झूठ? मुझसे झूठ बोला तुमने? बोलो क्या झूठ बोला तुमने? कॉलेज में मुझे गोल्ड मेडल मिला था, ये बात सच नहीं थी।
मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ोगे क्या? I want to be alone. जाओ. देखो सोनू, मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ. मैं भी सेल्फिश हूँ. मैंने तुमसे दोस्ती क्यों की थी पता है? भरतनाट्यम में अच्छे हाव-भाव का प्रदर्शन करना था और तुमसे दोस्ती करके मैं वो हाव-भाव सीख सकती थी. ये सब मेरी डांस टीचर ने कहा था, इसीलिए मैंने तुमसे दोस्ती की थी. सोनू, तुम जैसी समझते हो अपनी दोस्ती वैसी नहीं है. आई एम वेरी सॉरी सोनू. देर पहले मैंने जो भी तुमसे कहा वो सब कुछ झूठ है, और ऐसा झूठ बोलकर मेरा 5 मिनट भी मन शांति से नहीं रह पाया. लेकिन तुम इतने दिनों तक शांत कैसे रह सकते हो सोनू? तुमसे दोस्ती करने की खातिर पहली बार झूठ कहा वो सही है, लेकिन उसके बाद मैंने किसी भी दिन तुमसे झूठ नहीं बोला है सोनू. अगर तुमने सच्चे दिल से किसी से दोस्ती की होती सोनू, तो मेरा दर्द क्या है ये बात तुम अच्छे से समझ सकते थे. जब कोई किसी से सच्चे दिल से दोस्ती करता है तो उसे झूठ नहीं बोल सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो उस दोस्ती का कोई मतलब नहीं है सोनू. आज के बाद हम दोनों के बीच सिर्फ सच होना चाहिए, किसी भी तरह का झूठ नहीं होना चाहिए. किसी भी हालात में झूठ नहीं बोलोगे, प्लीज प्रॉमिस करो. फिर कभी मुझसे झूठ नहीं कहोगे ना? बताओ बताओ सोनू. हाय अशोक, बधाई हो यार. कैसे हो विकी? थैंक यू. स्मॉल गिफ्ट. अपना बालू, राजा, मेरा बेटा अशोक सब अमेरिका सेटल हो गए हैं. तुम कहाँ सेटल हो रहे हो? माँ चुप रहो ना. ए इधर आओ. एक गिफ्ट मुझे क्यों दे रहे हो? इसके अंदर मैं अमेरिका देख लूंगा, और देखूंगा तो हर बार तुझे अमेरिका जाना जाना कहने की जिद याद दिलाएगी. इसलिए इसे तुम अपने पास रखो. देखो विक्की, वीजा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है. सरकार ने नए नए रूल्स पास किए हैं. तुम बिना मेहनत किए ही अमेरिका जा सकते हो. एक आइडिया बताता हूँ, तुम्हें जरूरत है अमेरिकन वीजा की, वो तेरे ही घर में है. क्यों, तुम्हारी समझ में नहीं आया? अरे यार श्वेता, श्वेता से तुम शादी कर लोगे ना तो तुम अमेरिकन सिटीजन बन जाओगे. श्वेता तुम्हारी आंखों के सामने घूमने वाली गुड़िया की तरह है. तुम श्वेता के जितने करीब जाओगे अमेरिका तुम्हारे उतने ही करीब आएगा. गुड लक. जब कोई किसी से सच्चे दिल से दोस्ती करता है तो उसे झूठ नहीं बोल सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो उस दोस्ती का कोई मतलब नहीं है सोनू. विक्रम हियर. हेलो, हू स्पीकिंग? मैं सोनू बोल रहा हूँ. सोनू? कौन सोनू? भाई श्वेता का फ्रेंड सोनू. श्वेता का फ्रेंड सोनू बात कर रहा है? हाँ एक मिनट होल्ड करना, श्वेता को बुलाता हूँ. हे श्वेता. है चेक, कोई इडियट है तुमसे बात करने के लिए सोनू का नाम लेके फोन कर रहा है. फिर कभी ऐसा फोन यहाँ नहीं आना चाहिए, बोल देना ठीक है? हेलो 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 श्वेता हियर. मैं सोनू बोल रहा हूँ. कौन सोनू?
वही पेंटर सोनू। शट अप, ऐसे किसी के नाम से फोन करने के बदले डायरेक्ट घर पर आ सकते हो ना। मुझसे अगली बार बात करना चाहते हो तो सोनू के नाम का इस्तेमाल मत करना। और तुम सोनू के बारे में जानते ही क्या हो? He is my best friend, a great painter. उसके दिल में अच्छाई के अलावा धोखा फरेब हो ही नहीं सकता। सुनो, वो एक गूंगा है, वो बोल नहीं सकता। फिर कभी तुमने सोनू का नाम लेकर फोन किया तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। So don't try to cheat me, understand? हाय सोनू, अभी छोटू से फोन करके तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी, इतने में तुम ही आ गए। कौन आया पता है? आओ अंदर आओ। अमेरिका से हमें देखने के लिए आए हो या अपनी बेटी से मिलने आए हो? क्या बात कर रहे हो यार? डैडी, ये कौन है पता है? सोनू। एक्जेक्टली। सोनू, मेरे डैडी, मेरी मम्मी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। आओ बेटा आओ, सोनू बैठो। आओ 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 बैठो। सिट डाउन सिट डाउन। श्वेता ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी जरूर होती है, तुम बोल नहीं सकते, इससे दुखी मत होना। भगवान तुम्हारा कभी न कभी भला करेगा। गॉड ब्लेस यू। सोनू, कुछ देर पहले क्या हुआ पता है? किसी रास्कल ने फोन करके तुम्हारा नाम इस्तेमाल किया और मुझे चीट करना चाहा। सोनू, एक लड़की से दोस्ती करने के लिए कितना झूठ बोल सकते हैं लोग, देखा तुमने? उस फोन को मैंने ही रिसीव किया था सोनू। जो आवाज मैंने सुनी वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। अगर तुम बोल सकते तो तुम्हारी आवाज बिल्कुल वैसी ही होती। अरे सोनू, कब आए तुम? अच्छा अच्छा, खाना तैयार है, आप लोग सब अंदर आकर खाना खा लीजिए। चलो चलो चलो। आज नाइट शो फिल्म देखने चलते हैं, ओके? सोनू, वहां बैठ जाओ। सॉरी सर, मैं गूंगा बिल्कुल नहीं हूं। श्वेता से दोस्ती करने के लिए ही मैंने गूंगे होने का नाटक किया था। मैंने आप सबको धोखा दिया। श्वेता, ये बहुत अच्छा लड़का है, मासूम लड़का है, यही इसकी सच्चाई है। देखा श्वेता, इसके दिल में कितना पाप भरा हुआ है, ये गूंगे की एक्टिंग करके तुम्हें फंसा रहा था। You rascal! After all, सड़क पे पेंटिंग करने वाले, तुझे अपना फैमिली मेंबर समझकर गले लगाया, तूने हमको क्या पागल समझ रखा है? श्वेता, देख लिया ना, कल उस भिखारी ने धोखा दिया, आज इस पेंटर ने धोखा दिया। आज के बाद कभी किसी पर विश्वास मत करना। Sorry to say this. You cheat? मुझे धोखा देते हो? मुझे धोखा देते हो तुम? जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। फिर दोबारा कभी मत आना। अरे सोनू, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। आओ सोनू बेटा, बैठो 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 बेटा, बैठ जाओ। हेलो, क्या है? सोनू आया क्या? नहीं आया, नहीं आया। सोनू 4 दिन से नहीं आया, वो आएगा तो मेरे घर आने को कहना, ओके? हाँ ठीक है, ये तो एक अलग ही काम है। हेलो, तेरी आइटम चली गई, बाहर आ जा।
उसे क्यों शराब की आदत लगा रहा है? तू चुप बैठ यार, वो चार दिनों से बहुत परेशान है, ज्यादा पूछा तो और परेशान हो जाएगा, इसीलिए ढाबे में लेकर आया हूँ। थोड़ी सी शराब अंदर जाएगी तो रिलैक्स हो जाएगा, हो सकता है वो अपने दर्द को हमें बता दे। अरे सोनू, तू श्वेता से मिला क्यों नहीं? वो मुझे ऑफिस में फोन करके पूछ रही थी, आखिर तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है यार? ए, जब कोई सच्चे दिल से दोस्ती करता है तो वो झूठ नहीं बोल सकता, और जो झूठ बोलता है तो समझो कि वो सच्चे दिल से दोस्ती नहीं कर रहा है। ये भाषण देना तुझे किसने सिखाया यार? नेता लोगों ने क्या? नहीं, श्वेता ने। ऐसा तो नहीं कि श्वेता को भी जाम पीने की आदत लग गई है? ए, तुम अपना मुंह बंद रखोगे? तुम बोलो सोनू। रियाज, मैं श्वेता से तहे दिल से प्यार करता हूँ, लेकिन झूठ बोलकर उसे धोखा दे रहा हूँ, इसलिए उससे मिलने में मुझे डर लगता है। लेकिन तू उसे सच बोल दे यार। सच बोलूंगा तो श्वेता मुझसे दूर हो जाएगी, ये सोचकर झूठ बोलता रहूंगा तो मेरा मन मुझे धिक्कारता रहेगा। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। इश्क तुम्हारा हो जाए जिंदा, ऐसा कोई मंत्र नहीं वेना, खुद खुशी और इश्क में यारों कोई अंतर नहीं वेना। इश्क से जो
जो डर गया वो रह गया तन्हा इश्क से। बिना है जीना क्या, इश्क बिना है मरना क्या, इश्क मेरी यारी। ओ दीवानी ओ दीवानी तू है अनजानी, इश्क है हीर रांझे की कहानी। नाम उस आशिक का सबसे बड़ा जिसने है लव का मंत्र पढ़ा। नाम उस आशिक का सबसे बड़ा जिसने है लव का मंत्र पढ़ा। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, मैं शॉपिंग के लिए गया था। वहां ये सुंदर नटराज की पेंटिंग देखते ही तेरी याद आ गई, इसलिए ले आया हूँ। इट्स फाइन। क्यों श्वेता, पसंद नहीं आई क्या? नहीं, बहुत अच्छी है। फिर क्या हुआ? इस पेंटिंग को देखकर मुझे सोनू की याद आ गई। उसे देखे बिना 10 दिन हो गए हैं। कहां गया होगा, क्या कर रहा होगा पता नहीं। वो कहीं भी हो, आज उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। बेचारा पता नहीं किस गांव का था, पेंटिंग करते हुए पैर फिसल कर नीचे गिर गया, बहुत खून बह गया। ऊपर हॉस्पिटल लेकर गए हैं, भगवान ही जाने जिंदा बच्चे कभी आई। क्या? वो तो 2 घंटे पहले ही मर चुका मैडम, उसकी बॉडी लाशों के रूम में रखी है। कौन चाहिए? देखिए यहाँ किसी पेंटर की बॉडी आई है। हाँ, आई थी ना, पूरा बॉडी लहूलुहान हुआ हुआ था। क्या हुआ आपको? मैं बॉडी को देखना चाहती हूँ। ऐसे नहीं देख सकती, पहले सुपरिटेंडेंट के पास से लेटर लेकर आइए, फिर दिखा दूंगा मैं। क्यों रे, उस दिन तो ढाबे में कसम खा रहा था श्वेता से नहीं मिलूंगा, उसे देखूंगा नहीं, फिर आज ये उसकी तस्वीर क्यों बना रहा है तू? हाँ यार, कल तक श्वेता को देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन मेरे साथ काम करने वाला लड़का जब ऊपर से नीचे गिर गया तो उसे लगा कि मैं हूँ और वो हॉस्पिटल तक पहुंच गई, और मुझे सही सलामत देखकर गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी यार। और उसे देखने के बाद मैंने उससे दूर रहने का फैसला बदल लिया। दिल से तेरे दिल से कुछ कहना है, तेरे दिल से, दिल से तेरे दिल से मुझे कहना है, तेरे दिल से
दिल से कुछ कहना है तेरे दिल से, दिल से तेरे दिल से मुझे कहना है तेरे दिल से। दिल क्यों धड़कता है ये तुम कहो, मैं क्या कहूँ यारा तुम ही कहो। दिल से तेरे दिल से कुछ कहना है तेरे दिल से। तुझको सनम देखो मुझसे चुरा ना ले, मुझको मुझसे चोरी चोरी वो सनम चुरा तू ले। यही तो इश्क है यही तो प्यार है, हाँ यही इश्क है हाँ यही प्यार है। दिल से कुछ कहना है तेरे दिल से, कहना है तेरे दिल से। ये इश्क है ये प्यार है, ये इश्क को मुझी से चोरी चोरी ओ सनम तू चुरा ना ले। यही तो इश्क है यही तो प्यार है, हाँ यही इश्क है हाँ यही प्यार है। दिल से कुछ कहना है तेरे दिल से, दिल से तेरे दिल से कुछ कहना है तेरे दिल से। लगता है ये तुम कहो, मैं क्या कहूँ यारा तुम कुछ कहो। ओ, 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 दिल से कुछ कहना है तेरे दिल से। शिट! क्यों यार विकी, हमेशा तो एक ही बार में सारे किंग को गिरा देते थे, आज क्या हुआ यार? इसका कारण श्वेता है क्या? ये किंग नहीं गिरे तो कोई बात नहीं यार, लेकिन श्वेता को पटाना बहुत जरूरी है। देखो विकी, आजकल की लड़कियों को पटाने के लिए गिफ्ट देते रहना चाहिए और पार्टियां करते रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी गैप हुआ ना तो कोई दूसरा ही घुस के पटा लेता है। अब किसी को नहीं घुसने दूंगा। हाँ, ए, शाम को जल्दी आ जाना, सब लोग मिलकर फिल्म देखने चलेंगे। क्या हुआ, अचानक चुप क्यों हो गया? अभी तक तो बोल रहा था। ए, यहाँ पर मैं जिसको भी देख रहा हूँ वो मुझे श्वेता की तरह ही दिखाई दे रही है यार, इसलिए 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 बे 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 ये क्या हुआ रे? बे बे
अच्छा ठीक है, शाम को जल्दी आ जाओगे ना श्वेता से मिलके? अबे बोलता क्यों नहीं है? ए, बे, बे, कोलंबस। एक्सक्यूज मी मैडम, सिगरेट मिलेगी? स्टूपिड, तेरे पास है क्या? ए, चल भाग। एक्सक्यूज मी, सिगरेट मिलेगा? मिलेगा या नहीं? अरे बोलो ना यार, मिलेगा या नहीं, जल्दी से कुछ तो बोलो यार। अरे बात तो करो भाई, सिगरेट मिलेगा या नहीं? अरे तुमसे ही पूछ रहा हूँ यार, सिगरेट मिलेगा या नहीं? जेब में क्या रखा है? हाँ हाँ, पैसा? सिगरेट खरीदने के लिए पैसा नहीं है? तुमने चेक शर्ट पहनी है, जींस पैंट पहनी है, इस पैसे से क्या खरीदोगे? हाँ तो भैया यहाँ से कहाँ जाओगे? बाई रोड चल के जाओगे क्या? बस में जाओगे क्या? टिकट नहीं है, विदाउट टिकट चल के जाओगे क्या? अरे बोलना भाई, गूंगा है क्या? अरे रे 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 रे। तुम रुपए जेब में रख करके लड़कियों को लाइन मारने के लिए आए हो क्या? भाई तुम अकेले हो या पूरा ग्रुप आया है? इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो भाई? दांत क्यों पीस रहे हो भाई? मारेगा मारेगा, मार 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 मार। देखो भाई, इतनी देर से पूछ रहा हूँ, ये बोल भी नहीं रहा है। क्यों, मर नहीं है क्या? सुनाई नहीं देता क्या? बहरा है क्या? गूंगा है क्या तू? मैं गूंगा हूँ क्या? बोल, कौन सी भाषा में बात करेगा? सुन बोल, गुजराती बंगाली कौन सी भाषा में बात करेगा? बोल बोल। सर, बुरा मत मानिए सर, हम सब टीवी चैनल वाले हैं सर, कुछ भी नहीं सर। बकरा बनाओ प्रोग्राम में नया प्रोग्राम शुरू किया सर, वहाँ देखिए सर, हमारी पूरी यूनिट है वहाँ पे। जी हाँ सर, पब्लिक की सहन शक्ति जानने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है सर। हाँ जी सर, आई एम वेरी सॉरी, वन सेकंड सर। पहले बता देते तो ये लफड़ा ही नहीं होता। मैं बोल सकता हूँ, अच्छी तरह बोल सकता हूँ। हाँ, बोलो तो गाना भी गा लूंगा। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अरे मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, कार डैमेज हुई है, वर्कशॉप में गई हुई है। भाई आओ, अपनी भविष्य की जानकारी प्राप्त करो, आओ आओ, भविष्यवाणी करता है मेरा। ये सब क्या है? इधर है, वे 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 वे। रियली? हाँ बड़े तो बड़े वे ते वे दे दे आवा। ये रम्मा हमेशा सत्य बोलती है, झूठ नहीं बोलती। इंडिया में 99 में कारगिल वार हुआ था, इसी रम्मा ने बताया था। रम्मा मेम साहब के नाम पर एक चिट्ठी निकालो। मैडम आपका नाम? मेरा बाद में बताना, पहले इनका बताइए। साहब जी का क्या? रम्मा साहब के नाम पर एक चिट्ठी निकालो। साहब आपका नाम? सोनू। मेम साहब, साहब नहीं बोलते क्या? नहीं, ये बोल नहीं सकते। रम्मा सोनू के नाम से चिट्ठी निकालो, निकालो, सबका भला होगा। मेरी रम्मा ने सितारों के तारे बताए हैं। साहब के अच्छे दिन आने वाले हैं। नारद मुनि जी क्यों आए हैं? साहब तो बोलते नहीं, मगर ये कहती है कि नारद मुनि जैसे बड़े वचन बोलते हैं ये। अगर ये मुंह खोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। इनके हिसाब से ये बिल्कुल अलग बात है, झूठी बातें करना शर्म पीने के जैसा है। क्या कहें, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये रम्मा सत्य बोलती है, कभी झूठ नहीं बोलती। अरे ए मैम, ए मैं गूंगा नहीं हूँ यार। अरे मुंह बंद कर, नहीं तो मार डालूंगा, मार डालूंगा तुझे, मुंह बंद कर, बोलो ना। चुप चुप, कुछ बोलो मत। क्या है विक्की? Wish you many many happy returns of the day, Shweta. Thank you. आज मेरा बर्थडे है। मेरी बर्थ डेट के बारे में तुम्हें कैसे पता? मेरे पासपोर्ट में भी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं है फिर? देखो श्वेता, हम दोनों के एक होने से पहले दोनों को एक दूसरे के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। Happy birthday to you. Hey, श्वेता, what happened? क्या सोच रही हो? पार्टी में सब लोग आए हैं, अगर सोनू भी आता तो अच्छा लगता ना।
सॉरी श्वेता, जल्दबाजी में सोनू को बुलाना भूल गया। आई एम रियली सॉरी। सॉरी हाँ। इट्स ओके, तुम तो जानते हो लेकिन उसे मेरी बर्थडे नहीं पता होगी। ए श्वेता, सोनू को तुम विकी समझ रही हो क्या? तेरे बर्थडे के बारे में पता लगा का सरप्राइज देगा। श्वेता, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो क्यों? तुम्हें बर्थडे की सरप्राइज दिया इसलिए। थैंक यू। तुझे बोला। विक्की, गाड़ी रोको। जन्मदिन की शुभकामनाएं। जब तुम किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हो तो उसे तोता मैना की तरह आसमां में छोड़ देना चाहिए। अगर वो तुमसे प्यार करता है तो जरूर लौट कर आएगा। ये होर्डिंग सोनू ने बनाई होगी। फैंटास्टिक। वो बात नहीं कर सकता लेकिन तेरे जन्मदिन पर उसने बहुत कुछ कह दिया। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं जानता हूँ। एक दूसरे की सारी बातें अपने आप पता चल जाती हैं। श्वेता, चलो चलते हैं। मैं एक बार सोनू से मिलना चाहती हूँ। इडियट। मुझे बर्थडे विश करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया सोनू। तुमसे मिलने तुम्हारे रूम पर गई थी। हर पूर्णिमा के दिन तुम यहीं आते हो, मुझे ये बात तुम्हारे दोस्तों ने बताई। पूनम के उजालों में, समुद्र के किनारे, इस मंदिर को देखते रहना, रियली ग्रेट टेस्ट। सोनू, तुम खूबसूरत पेंटिंग करते हो ये बात मुझे पता थी, लेकिन इतनी खूबसूरत कविता लिखते हो मैंने कभी नहीं सोचा था। कोई इतना अच्छा तभी लिख सकता है जब उसे किसी से प्यार हो जाता है। सोनू, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? तुझको पाकर खोना होगा, तेरे बिना क्या जीना होगा, सोच के डरता हूँ। तू आसमां जमी में, तेरे लायक हूँ नहीं मैं, कैसे तुझे बताऊँ, तू आग मैं पानी।
का राजा तू महलों की रानी, कैसे होगी पूरी अपनी प्रेम कहानी। समझे ना तू मेरी उलझन, कैसे बनाऊं तुझको दुल्हन, लू कैसे फेरे। तू आसमां जमीं में तेरे लायक हूँ नहीं मैं, कैसे तुझे बताऊं तू आग में पानी। गलियों का राजा तू महलों की रानी, कैसे होगी पूरी अपनी प्रेम कहानी। तू आसमां जमीं में तेरे लायक हूँ नहीं मैं, कैसे तुझे बताऊं तू आग में पानी। दिस इज टू मच श्वेता, अभी टाइम क्या हुआ है पता है? शहर से इतनी दूर आने के बाद कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था। आई एम सॉरी। नो, डोंट से सॉरी। लुक, तुम्हें इंडिया में कुछ हुआ तो वो हमारी जिम्मेदारी होगी। तुम जानती हो, तुम कुछ नहीं जानती हो। अब चलोगी क्या? प्लीज चलो। I am going to college. मैं कॉलेज जा रहा हूँ। I came first in college. मैं कॉलेज में फर्स्ट आया हूँ। I can speak English very well. मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह बात करता हूँ। अरे रे रे रे, फर्स्ट टाइम इंग्लिश के तीन शब्द सीख रहा है, वो भी गलत गलत बोल रहा है। क्यों अंग्रेजों की इंग्लिश का रेप कर रहा है यार? कल श्वेता विक्की के साथ मार्केट गई थी, वहाँ पर विक्की बिल्कुल अंग्रेजों की तरह इंग्लिश में बात कर रहा था। इसलिए मैं भी इंग्लिश सीख रहा हूँ। उसके बाद क्या करेगा? अंग्रेजी झाड़ूंगा। अबे वो विक्की इंग्लिश में बात करता है इसलिए तू इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है। वो चाइनीज में बात करेगा तो मैं भी बात करूंगा ना। अरे यार मैं भूल गया यार, सॉरी सॉरी यार, मैं भूल गया मैंने क्या सीखा था। क्यों, एक बार बात तो कर। तुझे तो सिर्फ एक ही भाषा आती है रे, जानवरों वाली भाषा। वो भी बकरे की तरह एक ही शब्द बोलता है, बे। सुन यार, विक्रम और श्वेता की जोड़ी से तुझे एतराज है? ऐसा नहीं है यार, श्वेता और विक्की की जोड़ी सही है मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मानता। कौन आया होगा अभी? अबे श्वेता आई है। हाँ? 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 अरे श्वेता यहाँ कहाँ से आ गई यार? अब मेरा क्या होगा? बाप रे, ये नाटक बंद कर। हम लोगों को बिना बताए श्वेता को यहाँ बुला लिया और अब हमारे सामने नाटक कर रहा है। करो, मैंने उसे नहीं बुलाया यार, अब क्या होगा? ए, देख ले यार, जल्दी से उसे कैसे भी करके अंदर बिठा दो यार, प्लीज, नहीं तो मैं मर जाऊंगा यार, प्लीज। भूलना मत यार, मैं गूंगा हूँ। बापरे, श्वेता अगर ये पेंटिंग देख लेगी तो मेरे दिल की दुनिया मिट जाएगी। जल्दी से इन्हें निकाल दो। हाय श्वेता। हाय। हाय, बहुत देर से खड़ी हो क्या? बस अभी आई हूँ। हम भी अभी ही देख रहे हैं, ऊपर से बिल्कुल नहीं देखा, ठीक है ना? क्या? अरे कुछ नहीं, आप अंदर आइए। हाँ अंदर आ जाओ। आप पैर हटाओगे तो ही मैं अंदर आऊंगी ना। ओ हाँ, आइए आइए। सोनू क्या कर रहे हो? मैं ओह अच्छा, कल मुझसे मिलने घर क्यों नहीं आए? मैं
बहुत काम था क्या? तो कम से कम मुझे एक फोन तो कर सकते थे ना? आई एम सॉरी सोनू, तुम्हारा रूम बहुत अच्छा है। इन दीवारों पर कोई पेंटिंग होती तो और भी अच्छा लगता है ना। पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ मैं, कम से कम एक कप कॉफी तो पिला दो। अबे बैठे 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 ओके। अरे वो नमक है यार, यहाँ है शक्कर। ए सोनू ये चम्मच मुझे दे। अम्मा पापा क्या क्या चिल्लाएगा मुझे ऐसा लगा था, लेकिन तूने अपना कैरेक्टर मेरे सामने इतना स्ट्रॉन्ग करके रखा है, अब तेरा लव सक्सेस हो जाएगा डेफिनेटली। कुछ नहीं यार, श्वेता मुझे कहीं देखना ले इसलिए टेंशन में काफी बना रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। अबे यहाँ आओ। ऐसा क्यों किया? So beautiful, so natural, इस राजस्थानी लड़की की पेंटिंग बहुत अच्छी है। सोनू ये पेंटिंग तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई? इसे मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगी, ठीक है? थैंक यू। क्या बात है, काम करते हुए सो रहे हो? कुछ भी नहीं भाई, इंडिया श्रीलंका का वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, अभी तक सचिन तेंदुलकर चौके लगा रहा होगा, उस मैच को देख नहीं पा रहा हूँ, यही दर्द है मेरे चेहरे पे। मैच ही देखना है ना, श्वेता के घर चलते हैं। श्वेता के घर जाने दो बॉस, वो बड़े बड़े पैसों वालों का एरिया है, बॉस इस गेटअप में गए ना तो बहुत गंदे लगेंगे। एक काम करते अपने बबलू नाई के पास चलते, अच्छी तरह दाढ़ी कटवा के आते हैं, तुम यहीं पे रुकना। आइए साहब आइए, सेविंग की कटिंग दोनों करो लेकिन टकला मत करना। ठीक है साहब। अच्छे क्या गंदगी है, बहुत बढ़िया ग्राहक है। क्या रे इतनी गंदी बास क्यों आ रही है, कपड़े धोया नहीं है क्या? हटा इसको जल्दी से, हटा। हटाता हूँ। हटा। सॉरी सर। मेरी रेंज के कपड़े लेके आना यहाँ। ये देखिए सर, सफाई में शुद्धता और खुशबू 100%। क्या रे पानी में धोकर लाए क्या, नाक फट जा रही है, निकाल। सरकार क्या हुआ क्या हुआ, बैठिए बैठिए बैठिए। नया लेकर आया हूँ सर। क्या हुआ, आधे धुल के आया है। धुले कपड़े की पहचान मत बता मेरे को, बगैर देखे ही बगैर सूंघे बता सकता हूँ कि कौन सा कपड़ा है, गंदे पानी से धोके लाता क्या? चल हट। कसम से आप ही पहले ग्राहक है। दूसरा ले क्या? मैं ग्रेट पेंटर हूँ। अरे कजरा रे कजरा रे, मैं हूँ डॉन डॉन डॉन। वेरी गुड, कपड़ा मतलब ऐसा ही कपड़ा होना चाहिए ना, ये पहले क्यों नहीं किया तूने, फालतू समझा था मेरे को जो मैंने तेरे को। तनी ककरा सुन के देखी साहब, सुन कर देखू मैं इसको। क्या है श्वेता? नहीं है, बाहर गई है। गाड़ी तो यहीं पर है। टू व्हीलर छोड़कर फोर व्हीलर में गई है। विक्की कौन है? अरे श्वेता अंदर ही है। श्वेता अपना सोनू आया है, उसे अंदर बुलाओ ना। जाओ। हेलो आई एम सचिन तेंदुलकर, सोनू का दोस्त। आई एम ग्रेट पेंटर, ग्रेट क्रिकेटर आल्सो। ये क्या है आपके बाल आगे से सफेद, को कौवे ने हगा?
फिर से चौका मार दिया। ए, संभाल के, श्वेता को बुरा लगेगा। तुम गूंगेपन का नाटक करो, चुप रहो, मैं बात करूंगा, बात करूंगा। तुझे यहाँ लाकर गलती की। मारा, फिर से चौका। क्या हुआ? फिर से चौका? अंकल जल्दी आइए ना, सचिन धो रहा है, देखो ना। मार दिया सिक्स। वाओ। सॉरी सोनू। I'm sorry. That's where he likes a bit of room, a bit of width. Smashes it through the covers. A more convincing. That score to point. He just played. फिर से मारा four. Sip. Sachin out. India be out. कम से कम टेंशन तो कम होगी. चैनल बदल देती हूँ. अरे, take it easy program. ये प्रोग्राम बहुत अच्छा आता है, पता है? कॉलम्बस। एक्सक्यूज मी मैडम, सिगरेट मिलेगी? स्टूपिड, तेरे पास है। हे सोनू, व्हाट अ सरप्राइज। मतलब इस प्रोग्राम में तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे बोलो ना यार, मिलेगा या नहीं, जल्दी से कुछ तो बोलो यार। मैं चलता हूँ यार। वन मिनट, मैं अभी आंटी को बुला कर लाती हूँ। क्या करें यार, इतनी बड़ी टीवी बंद कैसे करें? श्वेता रिमोट भी लग रही है भैया। वहाँ देख, वहाँ देख, कैसे भी कैसे बंद कर। करंट लग गया भाई मुझे, मैं सिखाने लाया हूँ कि करंट लगवाने लाया हो। आंटी सोनू टीवी पर आ रहा है, आइए ना जल्दी से आइए। अच्छा अब क्या करूँ, इस पेपर से बंद करूँ? अगर वो नहीं है ना, इससे बंद कर दे। अरे ये बहुत छोटा है, एक एक काम करते हैं, टीवी तोड़ देते हैं, सारा मामला खत्म। हाँ तुम तोड़ते रहो इसको। मैं कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पकड़ना, चल उठा। अरे क्यों भाई सोनू, तेरा प्रोग्राम टीवी पर आएगा, हमें क्यों नहीं बताया? अंकल देखे तो तेरे प्रोग्राम में क्या है? अरे अरे उतने नजदीक से मत देख। सर आप बड़े लोग हैं ना, आपके बगल में बैठकर टीवी देखना सोनू को शर्म। शर्माने की क्या बात है, हम गैर थोड़े ही है। आओ बैठो इधर, बैठो बैठो। अरे बात तो करो भाई, सिगरेट मिलेगा या नहीं? अरे तुमसे ही पूछ रहा हूँ यार, सिगरेट मिलेगा या नहीं? पैसा, सिगरेट खरीदने का पैसा नहीं है सोनू। देखो तुम तो भूल नहीं सकते, इतनी देर प्रोग्राम कैसा है? हाँ बताएगा बताएगा, थोड़ी देर में आप सबको मालूम पड़ेगा। तुमने चेक शर्ट पहनी है, जींस पैंट पहनी है? सुनो विक्की, बाद में पढ़ लेना, देखो ना टीवी पर सोनू आ रहा है, आओ ना जल्दी देखो। टिकट नहीं है, विदाउट टिकट चल के जाओगे क्या? अरे बोल ना भाई, गूंगा है क्या? भैया तुम टीवी में बड़े हीरो जैसे दिख रहे हो, तुम तो अभी थोड़ी देर में तुम एकदम जीरो बनने वाले हो। मारेगा, मार 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 मार। क्यों मर रही है क्या? सुनाई नहीं देता क्या? बहरा है क्या? गूंगा है क्या तू? लाइट को भी अभी जाना था। उसे टीवी में देखकर बहुत मजा आ रहा था ना? सुनो, दिल्ली पहुंचते ही फोन नंबर एड्रेस दे दूंगा। एड्रेस वहाँ क्या, यही दे दो। इस शहर की लड़कियों को देख देख कर हम लोग बोर हो चुके हैं, हम लोग भी चार दिन के लिए दिल्ली आएंगे और दिल्ली की लड़कियों का दिल चुराएंगे। ये लो रियाज, तुम्हारा एरोप्लेन टिकट। एरोप्लेन, एरोप्लेन नहीं कहते, फ्लाइट। सब ठीक है यार, सुनो इधर आ, तुमसे पर्सनल बात करनी है। देखो सुनो, प्रैक्टिकली जो मुझे सही लगता है मैं वही करता हूँ, वही मुझे पसंद है, इसीलिए प्यार वार सब कुछ मुझसे दूर ही रहते हैं। सुना है तुम हर रोज श्वेता के घर जाते हो? ओके, वो तुम्हारा पर्सनल विषय जानता हूँ, बट वन थिंग, श्वेता तुम्हें ढूंढते हुए आती जानता हूँ, हॉस्पिटल में तुम्हें गले लगाया जानता हूँ, तुम बहुत खुश हो ये भी जानता हूँ, पर एक बात का ख्याल रखना दोस्त, लड़कियों की दोस्ती को प्यार कभी मत समझना। ए रियाज, जाने के टाइम में उसे टेंशन क्यों देता है यार? तू चुप रह यार, तुझे कुछ भी नहीं पता। नहीं रियाज, तुम हमेशा प्रैक्टिकल सोचते हो, लेकिन इसकी बातों में भी कुछ सच्चाई है, वरना अगर इसके दिल में प्यार नहीं होता तो एक पढ़ी लिखी लड़की भाग कर आके इसके गले क्यों लगती? यू आर अ फूल, विदेशों में गले लगाना किस करना एक आम बात है। श्वेता अमेरिका में पैदा हुई और पली बढ़ी है, ये जाने बिना फालतू की बात मत करो, सोनू को भड़काने वाला तुम ही हो। सुनो सुनो, तुम इस लड़की से प्यार करते हो? हाँ, और वो
पता नहीं। ठीक है तो तुम अभी चलो, मेरे साथ दिल्ली चलो, एक बड़ी एड एजेंसी में तुझे अच्छी जॉब दिलवाऊंगा। स्टार्टिंग सैलरी कितनी पता है? 10,000। बोर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एसी ऑफिस में बैठकर काम करोगे, मेरी बात मान लो। ठीक है पर 3 महीने बाद चलूंगा। 3 महीने? लेकिन क्यों? वो श्वेता 3 महीने बाद अमेरिका वापस चली जाएगी, उसके बाद चलूंगा ना। क्या है यार, वो लड़की तुझे प्यार करती है तुझे नहीं पता, पर तुम 3 महीने बाद जब वो अमेरिका जाएगी तब चलोगे। क्यों तू अपनी जिंदगी बर्बाद करने में लगा है यार? नहीं, श्वेता से मुझे जो खुशी मिल रही है वो सिर्फ 3 महीने की है और मैं ये खुशी खोना नहीं चाहता। मुझे नींद में भी सपने देखना पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हों की जिंदगी को ही सपना समझ रहे हो। मैं कुछ भी कहूं तेरी समझ में नहीं आएगा, चलता हूं मैं अब। रियाज एक मिनट, तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे रूम में रह सकता हूं? इस खिड़की के लिए ना? हाँ, इस घर से, इस खिड़की से समुद्र दिखता है, अच्छी हवा आएगी, एंजॉय करो। समुद्र देखने के लिए नहीं, फिर श्वेता का घर यहां से दिखता है। रियाज फ्लाइट का टाइम हो गया, चल। सोनू सर, इस डिजाइन को देख के होर्डिंग पे पेंट कर दो, क्लाइंट बहुत जल्दी में, केयरलेस मत होना। सर बुरा ना माने तो एक छोटा सा आइडिया दूं? क्या है बोलो। होर्डिंग बहुत अच्छी जगह पर है, बैकग्राउंड स्काई ब्लू है, डिजाइन ब्लू कलर में है, डिजाइन वहां अच्छा नहीं लगेगा सर। कलर्स के बारे में तुम मुझे बताओगे, मुझे सिखाओगे तुम? असल में तुम्हें कंप्यूटर डिजाइन के बारे में क्या पता है, है? क्या है? ऐसे क्या देख रहे हो, बताओ तुम्हें कंप्यूटर डिजाइन के बारे में क्या पता है? सर बोलो। कंप्यूटर से होने वाली डिजाइन का तो पता नहीं, लेकिन हाथ से होने वाली ड्राइंग के कलर के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा तो तुम मुझे समझा रहे हो? हाँ आओ भाई, आकर यहाँ पे बैठ जाओ, तुम डिजाइन करके दिखाओ मेरे को, पागलों की तरह क्या देख रहे हो? तुमसे कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें मेरे हिसाब से काम करना होगा। मेरी बातों सुनिए सर। डोंट टॉक। अटेंडर जी साहब, इसको बाहर भेजो। अरे चलिए ना साहब, बाहर चलिए ना। चलिए आइए। बॉस कलर करने वाला कलर के बारे में मेरे को समझा रहा है, ये बड़ा पेंटर है, बोल के बड़ी शान दिखा रहा है अपनी। सोनू तुम इतने उदास क्यों हो? एनी प्रॉब्लम? ओके, अब हम एक इम्पोर्टेंट प्लेस पर जा रहे हैं, कम कम ऑन सोनू। आओ सोनू। क्यों सोनू, तुम्हारी पेंटिंग्स यहाँ कैसे आ गई ये सोचकर हैरान हो रहे हो ना? ये सब कुछ श्वेता ने अरेंज किया है। डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने इंडिया के बड़े मशहूर चित्रकार मिस्टर फर्नांडिस यहाँ आए हैं, आज सोनू की हुई पेंटिंग के बारे में बात करेंगे, प्लीज कम सर। नमस्कार, मेरे दोस्त की वजह से कुमारी श्वेता ने मुझे इस चित्र प्रदर्शनी में खास मेहमान बनकर आने का रिक्वेस्ट किया था। इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाने वाले मिस्टर सोनू बात नहीं कर सकते, फिर भी ये दुनिया जब तक रहेगी उनकी कला की बात करती रहेगी। अगर श्वेता ने मुझे यहाँ बुलाया नहीं होता तो सोनू नाम के एक बड़े चित्रकार से रूबरू नहीं हो पाता तथा उनकी पेंटिंग्स को देखने का सौभाग्य भी खो देता। मिस्टर सोनू प्लीज कम।
पेंटर सोनू को बधाई हो। अरे अपने सोनू का पेपर में फोटो आया है, उसके ऑल इंडिया आर्टिस्ट बनने की खुशी में आज पार्टी होगी। ये न्यूज सुबह टीवी पर आई थी ना, इस खुशी को कैसे सेलिब्रेट करना है आज मैं सीरियसली सोच रहा हूँ। अरे तू क्या सोच रहा है यार, हमको सुख मिले या दुख मिले हम लोगों को समझने वाली दीपा बार में मिलेगी। चल वहीं चलते हैं। अबे आज गांधी जयंती यार, बार बंद रहेंगे। फिर देशी बार में चलते हैं, वहाँ भी गांधी जयंती है। गांधी जयंती की खबर देशी लोगों को भी पता है। ठीक है खुद की वाइन शॉप पर चलते हैं। चल खुद की वाइन शॉप, वो कहाँ है बेटा? ये रहा हमारा वाइन शॉप, इंजॉय करो। हर आदमी की जिंदगी में प्रॉब्लम 2000 आ सकता है, 5000 आ सकता है, लेकिन सोनू उन सब से डरा नहीं। जैसे कि ये ओल्ड मॉन्क अपना सोनू लव के लिए जैसे पेंटिंग का काम करता है, उसकी शक्ल पर ब्लैक लेबल लिख दिया, वो भी ठीक है सोनू, उसे एक रॉयल चैलेंज समझकर आज के दिन टीवी में और पेपर में छपकर वो एक रेड लेबल बनकर साबित कर दिया। सोनू आज मेरी नजरों में एक नेपोलियन बनकर खड़ा है। सोनू आज से तेरी जिंदगी में ब्लैक नाइट नहीं रहेगा, क्योंकि तुम एक किंग फिशर की तरह हो। चीयर्स। क्यों यार, खुशी में उड़ने वाला गोल्डन ईगल पंख टूटे हुए पक्षी की तरह चुपचाप खड़ा है। हाँ सोनू, अरे पूरा शहर तेरे गुण गा रहा है और तू इतना उदास क्यों खड़ा है? बचपन से मैं एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता था। नौकरी करने के लिए शहर आया तो मुझ पर मेहरबानी करके नौकरी तो दी, लेकिन मेरी प्रतिभा को पहचान कर किसी ने नौकरी नहीं दी। मैं एक आम इंसान हूँ ये सोचकर दुखी नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मेरी बनाई हुई तस्वीरें देखकर कोई बड़ा इंसान किसी दिन मेरी तारीफ करेगा, इसका मुझे न जाने कब से इंतजार था। आज श्वेता के जरिए मेरे सब सपने सब लक्ष्य पूरे हो गए। मैं श्वेता से बातें कर सकता हूँ, लेकिन इस सच को छुपा कर रखा। मैंने अपने प्यार को भी छुपाया, आज तक मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन उसकी इस मदद के लिए थैंक्स कहने के लिए एक शब्द है, और वो एक शब्द भी मैं उसे नहीं कह सकता, इसलिए मेरा दिल बहुत तड़प रहा है। इसलिए अब मैं श्वेता से कुछ नहीं छुपाऊंगा, अभी जाकर उसे सच बता दूंगा। श्वेता, इन लोगों को, इस भीड़ भाड़ को देखते हुए चल रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे पता है ना मेरा पहला डांस प्रोग्राम है, इनविटेशन कार्ड और बहुत से लोगों को देना है, जल्दी चलो विक्की। श्वेता गलियां मुझे कितनी पसंद है पता है? ये भीड़ भाड़ गली देखकर भी नहीं चलते, एक दूसरे को धक्का मारते रहते हैं। शी, मुझसे तो यहाँ एक पल भी रुका नहीं जाता। नो श्वेता, इस गली में आने के बाद ये सारी दुनिया एक परिवार की तरह लग रही है, यहाँ बहुत से लोगों को देख सकते हैं। सच में श्वेता, अपने बच्चों के लिए दूध लेने आया हुआ बाप, पत्नी के लिए गिफ्ट खरीदने आया हुआ पति, दुल्हन के लिए कपड़े खरीदने आए हुए रिश्तेदारों की टोली, इन सबको देखकर एक परिवार की तरह लगता है ना। तो इस जगह ने तुम्हें अपने परिवार की याद दिला दी। हाँ श्वेता, मुझे पता नहीं ये शादियाँ, फैमिली रिलेशंस, इंडियन सिस्टम को देखकर मन में थोड़ी थोड़ी खुशी होने लगी। फिर तुम जल्दी से शादी कर लो। उसके लिए तुम्हारी मंजूरी चाहिए ना? ये क्या श्वेता, ये तुम क्या कर रही हो? सोच समझकर फैसला लिया है ना तुमने? हाँ आंटी, मैं सोनू से प्यार करती हूँ। देखो बेटी श्वेता, हम ट्रेन में अकेले सफर करने के समय पड़ोसी से बात करना चाहते हैं। छोटे से सफर में हमें बात करने वाले किसी आदमी की जरूरत होती है। जिंदगी भर तुम उस बेजुबान आदमी के साथ कैसे गुजारा करोगी? अंकल, प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे से बात करना ही नहीं, एक दूसरे को समझना भी है। उसके लिए बातों की जरूरत नहीं है। श्वेता, तुम मेरे विकी को पसंद नहीं करती हो ये मैं जानती हूँ, लेकिन बेटी तुम सोनू से प्यार करती हो ये बात भी गलत है। तुम उस पर दया करती हो। सोनू पर अगर दया करती तो उसकी मदद करने के बाद कहीं गुम हो जाती आंटी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मुझे सोनू से इतना ज्यादा लगाव हो गया है। एक बार कॉलेज की पढ़ाई को लेकर उसने मुझसे एक छोटा सा झूठ बोला था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने सच बता दिया। उसी सच्चे दिल से मैंने उसे प्यार किया है। अमेरिका जाने के दिन पास आ रहे हैं तो
मैं जिसे प्यार करती हूँ उसे छोड़कर जाना पड़ेगा ये सोचकर मेरे दिल को बहुत दर्द हो रहा है। विक्की, प्यार होता नहीं, अपने आप हो जाता है। आई एम सॉरी, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। नहीं श्वेता, सॉरी तो मुझे कहना है। तुम्हें झूठ पसंद नहीं, जानता हूं, मुझे अच्छी तरह पता है, फिर भी मैंने झूठ कहा, अच्छा इंसान बनने का नाटक किया। किस लिए पता है? अगर तुम मुझसे प्यार करोगी तो शायद मैं अमेरिका में सेटल हो सकूंगा, लेकिन सोनू ऐसा नहीं है, उसके प्यार में सच्चाई है। तुम्हारे बर्थडे के दिन सोनू की लिखी हुई कविता का मतलब आज मुझे पता चला। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया होता तो शायद तुम भी मुझसे प्यार करती, लेकिन मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया श्वेता, अमेरिका से, सिर्फ अमेरिका से। देखो विक्की, प्यार करो तो एक दूसरे पर विश्वास भी करो। सोनू पर मुझे पूरा विश्वास है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। ऑल द बेस्ट श्वेता। श्वेता, तुमने अपने दिल की बात सोनू को बताई क्या? नहीं विक्की, पूनम की रात सोनू को बहुत ज्यादा पसंद है, उसी दिन मैं अपने प्यार का सोनू से इजहार करूंगी। ये लीजिए आंटी, मेरे डांस प्रोग्राम का इनविटेशन। सिर्फ लक्ष्मी को भेजने से कुछ नहीं होगा, आपको भी साथ में आना पड़ेगा। हाँ। मम्मी, हाँ? कृति को बोलो ना जरा टीवी का साउंड कम कर दे। कम ऑन श्वेता। श्वेता, एक एडवाइस दे रही हूँ, गलत मत समझना। कम से कम तुम्हें आज के दिन तो भी इस डांस प्रोग्राम के लिए अपने डांस टीचर का आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने गुरु का पैर छूना भले ही तुम्हें गलत लगता हो, लेकिन हम उनके शिष्य हैं, उन्हें इज्जत देनी चाहिए। गुरु को देने वाली इज्जत पैरों को छूने से होती है, ये बात मैं नहीं मानती। और अगर तेरी बातों में सच्चाई है तो जब मुझे खुद फील होगा तब सोचूंगी, अभी ये बातें मत कर। ओके ओके। अरे हाँ यार, उस दिन तुमने सोनू पर दिखाया वो प्यार था या दया थी समझ में नहीं आया। वो क्या था, अब तो डिसाइड कर लिया ना श्वेता? ऑलरेडी डिसाइड करके सब कुछ बता दिया यार, सिर्फ अपने अंकल को ही नहीं, अमेरिका में रह रहे मेरे मॉम डैड को भी बता दिया है। क्या बताया तूने? वही बात जो मुझे बतानी चाहिए थी। अरे क्या बताया, बोल तो सही। मैं सोनू से शादी करने वाली हूँ, ये बात बोल दी मैंने। ओहो, तू तो शर्माती भी है, कभी ना शर्माने वाली लड़की शर्मा रही है। हाँ? श्वेता आंटी, कल जो गुंगे अंकल को घर लेकर आई थी ना, वो अंकल आज टीवी पे आ रहे हैं। चलो ना आंटी, जल्दी जल्दी चलो। लगता है टेक इट इजी प्रोग्राम फिर से टेलीकास्ट कर रहे हैं, इस बार तो मैं पूरा प्रोग्राम देखूंगी। क्या रे, मैं गुंगा हूँ क्या? कौन सी भाषा में बात करेगा? सुन, बोल, गुजराती, बंगाली, कौन सी भाषा में बात करेगा? बोल बोल बोल, कौन सी भाषा में बात करेगा? बोल, कौन सी भाषा में बात करेगा? बोल बोल, पहले बता देते तो ये लफड़ा ही नहीं होता। मैं बोल सकता हूँ, अच्छी तरह बोल सकता हूँ। हाँ, बोलो तो गाना भी गा लूंगा। हाँ। ए, श्वेता। हाय श्वेता। सोनू कहाँ है? सोनू बोल सकता है क्या? सोनू बोल सकता है क्या? नहीं नहीं, वो तो गूंगा है बेचारा, वो कैसे बोल सकता है? मुझे सब कुछ पता है, उससे बात करते हुए मैंने अभी टीवी पर देखा है। मेरी बात सुनो, इस बात को तुमसे इसलिए छुपाया कि स्टॉप इट। उसने तुमसे सच क्यों छुपाया था यही तुम्हें बताने के लिए तुम्हारे घर पर गया है। वहाँ जाने के बाद अभी तक वापस नहीं आया, सब जगह ढूंढा, कहाँ गया पता नहीं, इसीलिए हम लोग फोन ट्राई कर रहे थे। करेक्ट, आज पूर्णिमा है,
सोनू जरूर समुद्र वाले मंदिर के पास ही मिलेगा। सोनू, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया बताओ? मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता नहीं चलेगा ऐसा लगा तुम्हें? तुम और वो भिखारी एक जैसे निकले ना? उस भिखारी के साथ मैंने जैसा सलूक किया था वही सलूक तुम्हारे साथ करूंगी, ऐसा तुमने सोचा कैसे? दया और प्यार में फर्क पता नहीं चलता क्या? मैंने उस भिखारी पर दिखाई थी दया और तुम पर बरसाया था प्यार। मेरी नजर में प्यार बहुत ही पवित्र चीज है। अगर तुम मुझे पहले ही सारी सच्चाई बता देते तो भी मेरा प्यार कम नहीं होता। Because I love you, सोनू। ये बात एकदम सही है कि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं, तो प्लीज अब तुम मुझसे झूठ मत बोलना। देखो सोनू, पास्ट इज पास्ट। जब तुम मेरे साथ रहते हो तो मैं कितनी खुश रहती हूँ पता है? अगर तुम मुझे सारी सच्चाई पहले ही बता देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता सोनू। जाने दो सोनू, जो हुआ उसे भूल जाते हैं। बोलो सोनू, मुझसे बात करो सोनू। तुम्हारे मुंह से आई लव यू सुनना चाहती हूँ मैं सोनू। मुझसे बात करो प्लीज। अरे देख ना सोनू, श्वेता कह रही ना यार, तू बात करना यार। श्वेता तुझे ढूंढते हुए पहले घर आई थी, अब नाटक क्यों कर रहा है? तू बोल सकता है, उसे पता चल गया है, तू बोल ना यार। श्वेता कह रही है ना, तू बात कर यार। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, एक मिनट। प्लीज डॉक्टर, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज डॉक्टर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ डॉक्टर। नो नॉनसेंस, मुझे डॉक्टर समझ रहे हो या कसाई समझ रहे हो? प्लीज डॉक्टर, मुझे गूंगा बना दीजिए, मैं बोलना नहीं चाहता डॉक्टर, प्लीज। शट अप भाई से। डॉक्टर को क्या समझ रखा है तुमने? हाँ, यहाँ आने वालों की बीमारी ठीक करता हूँ मैं, उन लोगों को बीमार नहीं करता मैं। मैं भी बीमार हूँ डॉक्टर, बीमार हूँ, बोलना ही मेरी बीमारी है। प्लीज डॉक्टर, आपके आगे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ, मुझे गूंगा बना दीजिए प्लीज। डोंट बी फूलिश, तुम्हें गूंगा बनाकर मैं जेल चला जाऊँ क्या? डॉक्टर आप जेल जाने से डर रहे हैं, लेकिन मैं अपने प्यार के लिए डर रहा हूँ डॉक्टर। मैं अपने प्यार को धोखा नहीं दे सकता, मैं अपने आप को खत्म कर सकता हूँ डॉक्टर, मैं अपने आप को खत्म कर सकता हूँ। ए सोनू, प्लीज कम, तुमसे बात करनी है। सोनू, आई हैव गॉट एन आइडिया। कुछ दिनों के लिए तुम मेरे पास ऐसे रहना जैसे ट्रीटमेंट के लिए आए हो। मैं भी शो करूंगा कि ट्रीटमेंट किया है और कुछ ना कुछ करके भेज दूंगा तुम्हें। कुछ दिन गुजरने के बाद श्वेता को तुम बता देना कि मेरे ट्रीटमेंट की वजह से अब तुम बोलने लगे हो। इस तरह तुम्हें ना तो आवाज खोने की जरूरत होगी और न ही अपने प्यार को खोने की। क्या कहते हो डॉक्टर? बहुत सी लड़कियां मुझे गांव वाला समझकर, अनपढ़ समझकर मुझे अक्सर चढ़ाया करती थी डॉक्टर। केवल श्वेता ने मुझे इंसान समझा और मेरे साथ जिंदगी जीने का सपना देख रही है। ऐसी लड़की से मैं झूठ नहीं बोल सकता डॉक्टर। फूल, अगर किसी दिन उसे सच का पता चल गया और वो तुम्हें छोड़कर चले जाएगी तब क्या करोगे? हाँ, जल्दबाजी में आकर अपने प्यार के लिए आवाज को मत खो प्लीज। डॉक्टर, श्वेता मेरी हो जाए स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ। उसने मुझ पर बहुत विश्वास किया है, मैंने उसके साथ विश्वासघात किया, इसलिए मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ डॉक्टर, प्रायश्चित कर रहा हूँ। ओके, एक बार मैं तुम्हारे प्यार के लिए श्वेता से बात करके देखूं। हाँ? नहीं डॉक्टर, आप उससे बात करेंगे तो मेरी बातें समझकर मुझ पर दया करके मेरे पास आएगी। मुझे दया में प्रेम नहीं चाहिए डॉक्टर, अब मैं उसे और धोखा नहीं देना चाहता डॉक्टर। मुझे उसका निस्वार्थ प्रेम चाहिए डॉक्टर, उसका निस्वार्थ प्रेम। क्या वो इतनी अच्छी है?
सोनू, मैं एक डॉक्टर नहीं दोस्त की हैसियत से कह रहा हूं, एक डॉक्टर खोई हुई आंखें वापस दे सकता है, रुके हुए दिल को भी एक बार धड़का सकता है, किडनी खराब हो तो बदल सकता है, और तो और खराब दिमाग को भी काम करने लायक बना सकता है। लेकिन दुनिया की सबसे प्यारी चीज जुबान है, वो इंसान को भगवान का दिया हुआ वरदान है। एक बार वो गई तो किसी डॉक्टर के बस में भी नहीं कि वो उसे वापस ला सके, क्योंकि साइंस आज तक इतना डेवलप नहीं हो पाया है। तो अब बताओ सोनू, तुम्हें जुबान चाहिए या प्यार चाहिए? डॉक्टर, तुम्हें इसी वक्त जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। फ्यू सेकंड्स मेरे लिए, फ्यू सेकंड्स सोचो तुम, प्लीज प्लीज। मुझे प्यार चाहिए, जुबान नहीं चाहिए डॉक्टर। मैं ऑपरेशन करूंगा डॉक्टर। दुनिया में प्यार की खातिर बहुत से लोग फांसी चढ़ चुके हैं, जहर पी चुके हैं, ट्रेन के नीचे जान दे चुके हैं। फांसी चढ़ने वालों का दर्द 15 मिनट, जहर पीने वालों का दर्द 60 मिनट, प्यार की खातिर जान देने वालों का दर्द थोड़ी देर का, लेकिन प्यार के लिए जिंदगी भर का दर्द सहने वाले तुम्हारे जैसे प्रेमी को सामने देख रहा हूं मैं। यू आर ग्रेट। तुम्हें समझ गया सोनू, अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे प्यार की खातिर तुम्हारे पास जरूर आएगी, अगर उसका प्यार सच्चा हुआ तो। आई विल डू द ऑपरेशन डॉक्टर। सर 8:30 बजे आपका ऑपरेशन है, उसके पहले कुछ खाना मत। ऑपरेशन के लिए सब कुछ रेडी है सर, डॉक्टर साहब ने आपको चेंज करने के लिए कहा है। सिस्टर मुझे अभी चलना होगा। जी हाँ, क्यों? 5 मिनट बाद नहीं चल सकता क्या? माँ, सन्नी, छोटू, रियाज, श्वेता, श्वेता, आई लव यू श्वेता, आई लव यू, आई लव यू श्वेता, आई लव यू श्वेता। सर ऑपरेशन थिएटर में चले क्या? सिस्टर इस डॉक्टर का दिमाग खराब हो गया है क्या? इनके ऑपरेशन की तैयारी करते हुए किसी श्वेता नाम की लड़की का फोन आया ऑपरेशन कैंसिल करने के लिए। उनका ऑर्डर लेटर कहाँ है? आप जरा मुझे हेल्प करेंगी क्या? डॉक्टर मुझे धोखा दे दिया ना डॉक्टर, मुझे धोखा दे दिया ना डॉक्टर, डॉक्टर मुझे धोखा दे दिया ना। सोनू मैंने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया है,
मैं एक डॉक्टर हूँ। ए! शरीर काटकर उसके पास देखते हैं आप, दिल में छुपे प्यार को कैसे देख सकते हैं आप? आप जैसे लोगों को प्यार एक मजाक लगता है, इसलिए मेरे प्यार को आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं अपने फर्ज से धोखा नहीं कर सकता सोनू। डॉक्टर, जैसे आप अपने फर्ज के साथ धोखा नहीं कर सकते, मैं अपने प्यार को धोखा नहीं दे सकता। डॉक्टर, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, धोखा नहीं दे सकता। छोड़ दो, प्यार पवित्र होता है, वो एक बुरे से बुरे इंसान को भी अच्छा बना देता है। टाइम पास के लिए, मजाक के लिए प्यार कर रही इस दुनिया में प्यार की सच्चाई क्या है देख लो। सोनू ने साबित कर दिया है कि प्यार दुनिया की सबसे पवित्र चीज है। हम सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं। उसने जो कहा वो मैं एक डॉक्टर होकर भी पूरा नहीं कर सका। एक आम आदमी होते हुए उसने वो कर दिखाया। उसकी जुबान कभी बोल नहीं पाएगी, पर दिल की आवाज सारी दुनिया सुनेगी।